मुस्कुराइए, थोड़ा प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा बार बार प्रणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ बोलो राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय सियावर रामचंद्र की जय हो। मैं आपका, आप सभी का अपना, योर वेरी ओन, यहां से बिल्कुल गहराइयों से आ रहा है आपका अपना जीके दी, सबका स्वागत है। मेरे शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना। आज लड़का लश्कारे मार रहा है, चमक तो नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, क्यों ना हो भैया। आज 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 किसका प्रकट्य महोत्सव है, आज किसका जन्म महोत्सव है, ध्यान से सुनिएगा हर एक शब्द को। आज श्री रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल शिरोमणि, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रियतम अर्धांगिनी धर्मचारिणी पतिव्रत शिरोमणि जगत जननी जगत पालनी जनक नंदनी जगतेर महता रामेर गृहिणी परम करुणा वरुणालय श्री जानकी जी श्री सीता मैया का प्रकट महामहोत्सव की जय हो। श्री जानकी वल्लभो विजयते है। सभी कमेंट करेंगे जय श्री राम, जय सियाराम, श्री जानकी वल्लभो विजयते। You want to listen to these words again, these names again, so powerful, so sweet. Shri Raghukul Tilak, Shri Raghukul Shiromani, Shri Raghavendra Sarkar, Shri Raghunath Ji ke Prana Priyatam Ardhangini, Dharmacharini, Pativrata Shiromani, hai? Jagat Janani, Jagat Palani, Janak Nandani, Hamari Param Karuna Varunale, Jagatir Mata, Miya Sita Janaki Ji ke Charadon mein Koti Koti Pranam karta hai, Unka ye Das, Unka ye Beta, aur aap sabhi ki or se, Maa ke Charadon mein Koti 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 Pranam. हाथ जोड़ लीजिएगा। ऐसा पावरफुल सेशन है आज का, सुबह का आनंद आ जाएगा वास्तव में। यू कैन यू वुड बी एबल टू फील सीता नवमी टुडे। फोल्ड योर हैंड्स, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप ये मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ही माँ जानकी जी के चरणों में अभी इस समय अयोध्या में माँ जानकी जी का जन्मोत्सव बहुत ही प्रेम से मनाया जा रहा है। जनकपुरी में, मिथिला में सभी नगाड़े बज रहे हैं, करताले बज रही हैं, वंपर बज रहे हैं, झांझ करता शंख बज रहे हैं, देव गंधर्व नाच रहे हैं, किन्नर संगीत गा रहे हैं, भोले बाबा तुमुल्य नाच कर रहे हैं, ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, संपूर्ण त्रिलोकी आज माँ जानकी जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हाथ जोड़ लीजिएगा, आप भी अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा, मेरे बात सिर्फ बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदनी, पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदनी, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी, पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदनी, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी।
अब आइए रामचरितमानस से भी हम मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनसुता जगजनी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावू जासु कृपा निर्मल मति पावू। इसका अर्थ, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्राण प्रियतम श्री जानकी जी के दोनों चरणों कमलों में हम सब प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से बुद्धि हृदय और मन शुद्ध हो जाता है। पतिव्रता शिरोमणि है ये जानकी जी, जगत की माता है और राम गृहिणी, ये स्वयं हमारे राघवेंद्र सरकार की क्या है, गृहिणी। भक्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द दिल को छूने वाला है, हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे भक्तों ने जिन्होंने मेरी ये कथा को YouTube लाइव पे देखा था, उनको उन पलों का स्मरण आ जाएगा। शाम के समय आज रात को 8 बजे सीता और श्री राम जी का स्वयंवर की कथा का मैं रामचरित्र मानस से जो मेरे को अयोध्या में मिली थी, सीता राम कहिए ट्रैक को शूट करते हुए वहीं के परम महान संत से मैं इस रामचरित्र मानस से रात को 8 बजे मैं आपको सियावर राम जी का स्वयंवर की कथा सुनाऊंगा। अभी के लिए मैं आप सभी के बीच में लाया हूं 3 lessons, 3 lessons and 3 wonderful sweet cute leelas। देखिएगा भक्तों, राम जी के पिता हो सकते हैं, राम जी की मां हो सकती हैं, लेकिन हमारी जानकी जी के ना तो माता है ना वो पिता है, ना ही उनके पिता है। वो धरती से प्रकट हुई थी और धरती में ही विलीन हो गई है। जगत जननी कहां से आई थी, हम सुनेंगे लीला। पृथ्वी से प्रकट हुई थी और पृथ्वी में ही विलीन हो गई थी। राम जी के माता पिता हो सकते हैं, हमारे जानकी जी के माता पिता ऐसे नहीं है। देखिए कहा जाता है, सूर्य बिना सूर्य के किरण के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिना सूर्य के किरण के सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार भोजन का बिना भूख का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार एक फूल का ये आज मैंने माता जानकी जी के चरणों में अर्पित किया है, जिस प्रकार एक फूल का बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार मेरे भक्तों, मेरे राम जी के प्रियतम भक्तों, मेरे जानकी जी के आराध्य, उनके चरणों में प्रणाम करने वाले, ध्यान से सुनो, उसी प्रकार राम जी का बिना जानकी जी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ये मेरी वाणी नहीं है, वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण में, कृत्सनम रामायणम काव्यम, कि रामायण में सीतायाम चरितम महत, कि अगर रामायण में से सीता जी का, जानकी जी का अगर लीलाएं अगर हम निकाल दें तो उसमें कोई रामायण में कोई राम जी वास्तव में उनका रहते ही नहीं है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा ना हो, जिस प्रकार सूर्य के किरण के बिना सूर्य फीका है, उसी प्रकार रामायण में अगर सीता जी की लीलाएं निकाल दे तो वास्तव में रामायण में कुछ रह नहीं जाता, ये कहना है वाल्मीकि ऋषि का। दूसरी बात, अगर हमारे राघवेंद्र सरकार की लीलाएं अद्भुत हैं तो हमारी जानकी जी की लीलाएं अति अद्भुत हैं। अगर उनकी लीलाएं दिव्य है तो हमारी जानकी जी की लीलाएं अति दिव्य है। मेरी मैया की सरलता, मेरी मैया की उनका करुणा वरुणाए का दिल, मेरी मैया का समुद्र के समान दया, दया की भावना, अतिशय कृपालु जैसे मेरी मैया है ऐसा कोई नहीं हुआ है। पति व्रत धारण करने वाली माँ जानकी जैसा कोई नहीं हुआ है। आज का सेशन खासकर सभी माताओं के लिए, इट्स फॉर ऑल द लेडीज, इट्स फॉर ऑल द वुमेन, इट्स फॉर ऑल द गर्ल्स, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जानकी जी प्रकट ही इसलिए हुई थी ताकि वो स्त्री को स्त्री का धर्म सिखा सके, किस प्रकार पति की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार उसका आचरण होना चाहिए, किस प्रकार उसका बोलना होना चाहिए, किस प्रकार उसका उठना बैठना होना चाहिए, ये मेरी जानकी जी सिखाने के लिए हम सभी को आई थी। तो देखिएगा, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योविति तत्वता तत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामिति सोर्जना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, हर कोई इसको समझ नहीं सकता। भगवान का जन्म और कर्म समझना बहुत मुश्किल है और वो दिव्य है। तो कहा जाता है भगवान को समझना,
भगवान शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान को समझा जा सकता है, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, लेकिन शक्तिमान की जो शक्ति है, जो शक्ति तत्व है, उसको समझा नहीं जा सकता। वो बहुत ही गूढ़ तत्व है, बहुत ही डीप है, उसको महसूस किया जा सकता है। हमारी जानकी जी जो आराध्य ब्रह्मांड के मालिक है, जो यही सृष्टि के करता है, यही सृष्टि के पालन करता है, यही सृष्टि के संहार करता है, राघवेंद्र सरकार यदि भ्रिकुटी थोड़ी पलट ले तो प्रलय आ जाए, मंद मंद मुस्कुरा जाए मेरे राम जी, तो हमारे इस ब्रह्मांड की क्या हो जाती है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे राघवेंद्र सरकार जी की प्राण प्रियतम श्री जानकी जी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से बैठिएगा, आनंद से बैठिएगा, क्योंकि इतना आनंद आने वाला है शायद सारी सीमा ही क्या हो जाए, टूट जाए। हाथ जोड़कर थोड़ा सा दो मिनट के लिए ताली बजाकर कीर्तन करना चाहेंगे? इफ यस देन क्लिक दोस हार्ट्स। उसके बाद मैं लीला में प्रवेश कर जाऊंगा, थ्री लीलास एंड थ्री पावरफुल लेसंस। पर आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे भैया? सीताराम के ये माँ जानकी जी आपके चरणों में माफी मांगता है, आपका बेटा आपको मैं आज के दिन गिफ्ट नहीं दे पाया था, दे नहीं पाया, पूरी कोशिश करी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन 30 तारीख को माँ जानकी जी आपका गिफ्ट पेंडिंग रहा, 30 तारीख को मैं जरूर लाऊंगा। इशारे वालों को, मतलब समझदारों को इशारा ही काफी। आइए दो मिनट के लिए मेरे साथ भजन गाएंगे, माँ जानकी जी को पुकारेंगे, उसके बाद तीन ऐसी प्यारी लीलाएं और तीन पावरफुल लेसन्स जो हम माता जानकी जी से सीख सकते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, सीता राम सीता राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यार जो राम जी को पाएगा, फल आशा त्याग कर शुभ कर्म करिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीता राम सीता राम। जय हो, सबको प्रणाम। और आई थिंक लाइट भी आ गई जैसे ही भजन समाप्त हुआ। एक आप एक मिनट का टाइम मेरे को दे दीजिए, एक सेकंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। त्रेता युग की बात है और आज की ही दिन की बात है। आप समझ पा रहे हैं आज के दिन का महत्व? समझो भक्तों, आज के ही दिन की बात है, महाराज जनक क्या करने जा रहे हैं, हल चला रहे हैं, अपनी जमीन पर हल चला रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में मिथिला में, मिथिला अर्थात जनकपुरी में अकाल पड़ा हुआ है, और तो और वो पुत्री भी चाहते हैं। तो अब सुनिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में चले जाता हूँ, वैसे मेरे को डिटेल में रात को जाना है, तो जब मैं ज्यादा ही डिटेल में घुसने लग जाऊं आप मेरे को प्लीज याद दिला देना, ठीक है? तो वैसे ये जनक तो है, जनक जी तो है, ये एक पद है, इट्स ए पोस्ट,
और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब वो राजाओं की उपमा देते हैं कि सबसे उत्तम राजा कौन से हैं, तो वो भगवत गीता में बताते हैं कि जनक महाराज जैसा राजा, वो जनक महाराज का नाम लेते हैं। तो जनक अथवा एक पोस्ट है, और ये पीछे मेथी जनक के बाद देवरथ नाम के राजा हुए थे। बड़ी छोटी सी प्यारी सी लीला बीच में याद आ गई है, इट्स नॉट फ्रॉम दोस थ्री लीलास दैट वी आर सपोज टू डिस्कस। सुनो, एक देवरथ महाराज हुए हैं, इतने शक्तिशाली थे कि एक बार देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवरथ महाराज को बुलाया, मिथिला गए, मिथिला यहां पर आए धरती पे, और उनसे रक्षा की गुहार करी। देवरथ राजा ने क्या किया, युद्ध किया और देवताओं को बचाया। प्रसन्न होकर इंद्र ने क्या दिया, भोलेनाथ भगवान शिव जी का धनुष। कौन मेरे को कमेंट करके बताएगा कि भगवान शिव जी के धनुष का नाम क्या है? भगवान शिव जी का धनुष जाता है देवरथ महाराज जी के पास। इंद्र देते हैं देवरथ महाराज जी को। देवरथ महाराज जी ने आगे इस भगवान शिव जी का धनुष दे दिया जनक महाराज जी को। जनक महाराज जी जो मां जानकी जी के पिताजी हैं, ठीक है जी, सुना देता हूं। आपको क्या लगता है, ये भगवान शिव जी की जो धनुष है ये कितनी शक्तिशाली है? किसी ने अभी तक कमेंट करा नहीं है, किसी ने कमेंट नहीं करा है। 8000 हट्टे कट्ठे लोग है ना, 8000 ऐसे पतले से मरियल से नहीं, 8000 बॉडी बिल्डर जिसको आप कहेंगे, वो क्या करते थे, जनक महाराज जी के महल में जो भगवान शिव जी की जो पशुपत अस्त्र, तो उनका अस्त्र है, मैंने उनका धनुष का नाम पूछा है आपसे। यस, एस नाथ गॉट इट राइट, पिनाक भगवान शिव जी के धनुष का नाम है, वो वहां पर रखी होती थी। 8000 मुष्टंडे उनको, उस धनुष को सिर्फ अगर कहीं लेके जाना होता था तो उसको थोड़ा हल्का सा हिलाते थे, और उसके बाद वो पहिए थोड़े से 1-2 इंच आगे बढ़ते थे, और आधे घंटे के लिए वो मुष्टंडे फिर रेस्ट करते थे, फिर आधे घंटे के बाद 8000 फिर सारे के सारे मुष्टंडे फिर लगते थे। ये भगवान शिव जी की ये जो धनुष है, ये मिथिला में जनकपुरी में पहुंची कैसी, बड़ी स्वीट सी लीला है। हुआ ये कि एक बार नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाचे, ओम नमो नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे, सामने से इंद्र टकर गया। इंद्र सोचता है ये नारद मुनि जब देखो है विष्णु की प्रार्थनाएं करते रहते हैं, विष्णु को पूछते रहते हैं, वो उनके पास जाते हैं, और इंद्र कहते हैं अरे अरे मेरी बात सुनो, हे नारद तुम क्या भगवान विष्णु की पूजा करते रहते हो, सबसे श्रेष्ठ तो भगवान शिव है, सबसे शक्तिशाली सबसे श्रेष्ठ। ये अक्सर होता है ना कि शिव जी के भक्त और विष्णु जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त में आपस में लड़ाई हो जाती है, ए शिव जी बड़े हैं, ए कृष्ण बड़े हैं, ए विष्णु बड़े हैं। तो अब क्या होता है, यहीं पर आपस में भिड़ गए। इंद्र कह रहा है अरे देवों के देव महादेव की तो 3 आंखें हैं, 3 आंखें, तीसरी आंख खोल दे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। नारद मुनि जी हंसे और कहते अरे हर ब्रह्मांड में 11 रुद्र होते हैं लेकिन विष्णु तो सिर्फ एक है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपस में युद्ध हो जाए भगवान शिव जी का और भगवान विष्णु का। कैन यू इमेजिन क्या लीला है, भगवान शिव और भगवान विष्णु के आपस में युद्ध कराने पे चल पड़े हैं इंद्र और नारद मुनि। वो कह रहे हैं ये बड़े हैं, वो कह रहे हैं ये बड़े हैं, तो कैसे कैसे निकला जाए, इसका कंक्लूजन क्या है? कोई बात नहीं, दोनों का युद्ध होगा तो पता लग जाएगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्र बोलते हैं नारद जी को आप जाके मनाओ भगवान विष्णु को, मैं तो भोलेनाथ जी का उपासक हूं, मैं जाके शिव जी को मनाता हूं। इंद्र जाते हैं शिव जी के पास और भगवान नारायण, नारद मुनि जाते हैं भगवान नारायण की ओर। बीच में सोचते हैं यार मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं कैसे बोलूंगा युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं आप जाके रिक्वेस्ट करो। अब इंद्र पहुंच गया है कैलाश पर्वत, और ठीक है जो भी अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, लीला ये चल रही है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की लड़ाई होने जा रही है। कौन करा रहा है, इंद्र शिव जी का भक्त है, नारद मुनि भगवान विष्णु के भक्त हैं, देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अब जैसे ही नंदी जी ने देखा कि ये इंद्र आया, इंद्र की चाल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ करने आया। बोला क्या करने आया हो? बोला नहीं नहीं मैं तो बस ठाकुर जी के भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मैंने तेरे को चक्कर चल रहा है। बोला नहीं नहीं प्लीज दर्शन कराओ। अंदर जाते हैं, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, और भगवान शिव जी को कहते हैं हे प्रभु मैं एक छोटा सा निवेदन लेके आया हूँ आपके ऊपर, आपके पास।
बोला क्या बात है? तो इंद्र कहता है, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको भगवान विष्णु के साथ लड़ते हुए देखूं। भगवान भोलेनाथ जी ने आशुतोष ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? बोला नहीं नहीं प्रभु, मेरी और नारद की आपस में लड़ाई हुई है और मैंने नारद को बता दिया है कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे शक्तिशाली, जब देखो नारायण नारायण करता रहता है। महादेव ने कहा, इंद्र तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हारे हाथ, तुमको दिख नहीं रहा है मेरे हाथ में क्या है ये? बोला क्या है प्रभु? दिख नहीं रहा है क्या हाथ क्या है मेरे हाथ में? बोला प्रभु आपके हाथ में माला है। बोला तो मैं माला से क्या कर रहा हूं? प्रभु आप नाम का उच्चारण कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। बोला किसका नाम का जप करता हूं मैं, तुम ये बता दो। राम राम रामे ती रमे नाम वनन रमे सहस्त्र नाम इदम तुल्य रमो नामे वन रमे। प्रभु मैं जानता हूं आप भगवान श्री राम जी का नाम का गुणगान करते हो, तो अगर मैं राम जी का नाम का उच्चारण करता हूं तो फिर वो मेरे स्वामी हुए, वो मेरे से श्रेष्ठ हुए। ऐसे ये वैष्णवानाम यथा शंभु है ना, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणाम यदिम तथा, जैसे नदियों में से श्रेष्ठ गंगा है, जैसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भागवत कथा है, उसी प्रकार वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ भोलेनाथ भोले बाबा हैं। भोले बाबा अपने प्राण प्रियतम राम जी की वंदना करते रहते हैं। ये परस्पर प्रेम है भगवान शिव जी का और भगवान विष्णु के बीच में, लेकिन हम आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि वो भगवान शिव जी उनको बता रहे हैं कि मैं अपने स्वामी से थोड़ी ना लड़ सकता हूं तुम्हारे चक्कर में। तो अब बोला नहीं नहीं प्रभु, अपने भक्त के लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हो, प्रभु मेरे स्वामी है। बोला नहीं मेरे को नहीं पता स्वामी है कैसे, मुझे नहीं पता, आप श्रेष्ठ और आप लड़ोगे। और वहां पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं वहां पे, अब देखो विष्णु दूत, जैसे हमारे को महाभारत में ऐसे कृष्ण लीला में दिखाया जाता है ना कि ब्रह्मा जी पूरे पृथ्वी को लेके और देवी देवताओं को लेके वहां चले गए, क्या नाम है, भगवान विष्णु के गर्भ दक्षाए विष्णु के दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं होता, भगवान विष्णु कभी प्रत्यक्ष दर्शन देते ही नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवंति दिव्यस्तवे वेद सांग पत्क्रम उपनिषद गायन्तु यम सामगा ध्यायानुवस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। सारे वेद शास्त्र एक स्वर में एक साथ भी मंत्र का उच्चारण करे, सभी मुनि सभी संत जन एक स्वर में अगर उनको उनको उपासे उनका ध्यान लगाए तब भी ध्यायानुवस्तत गतेन मनसा यमराज यम ब्रह्म ब्रह्मा जी वरुण इंद्र सब एक एक साथ उपासना करें तब बड़ी मुश्किल से भी शायद हृदय में प्रकट हो जाए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष दर्शन दो, यानी ब्रह्मा जी के में हृदय में आकर कहा कि क्या बात है, सारी बात बता दी। भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए थे, उनकी हंसी छूट गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? सारी बात बताई कि इंद्र चाहता है कि मैं देवों के देव महादेव के साथ युद्ध करूं। अब ये बात सुन के लक्ष्मी जी की हंसी छूट गई, ये लड़ाई तो मैं भी देखना चाहूंगी, ये युद्ध तो मैं भी देखना चाहूंगी, कभी नहीं देखा कि शिव जी और भगवान विष्णु आपस में लड़ रहे हैं। बोला यार ये तो और चक्कर पड़ गया, मैं तो कैंसिल करने वाला था प्लान, लेकिन अब लक्ष्मी जी को भी देखना है तो अब तो करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं चलिए फिर हो जाए, और वहां भगवान शिव जी भी कहते हैं चलो जैसे ठाकुर जी की इच्छा। अब पहली बार भगवान विष्णु और भगवान शिव जी आपस में क्या करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। आहा आनंद लीला। उसके बाद इतने में क्या होता है, इंद्र एक शर्त रखता है, भाई कोई भी अपने पर्सनल अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे। देखो कभी भगवान अपना सुदर्शन चक्र लिया है हो गयो काम, और वहां पर अगर वो अपने त्रिशूल उठा लिया तो और काम हो गयो। बोला अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब बुलाए गए विश्वकर्मा जी। अब विश्वकर्मा जी इज द आर्किटेक्ट ऑफ द डेमिगॉड्स। अब विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की गई, आप दोनों के लिए एक धनुष बनाइएगा। देखिए डिटेल में मतलब डिटेल से मैं चर्चा बता रहा हूं, आपने बस ये सुन लेना कि धनुष जी भगवान शिव जी की धनुष वहां पर थी और जानकी जी के महाराजा जनक के महल में थी। ये धनुष में अपने आप में इतनी डिटेल्ड है, और मैं अभी भी 10% में से सिर्फ 2% सुना रहा हूं आपको, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होता, आपको जाना होता है। नहीं तो राम जी की इतनी कृपा हो रही है, जानकी जी की इतनी अतिशय कृपा बरस रही है कि अगर आप मेरे से पूरा दिन बुलवा लोगे आज, मैं श्री जानकी जी की अपने मैया की महिमा गुनगुनाने में चुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। एनीवेज, तो अब क्या होता है, जितने भी भक्त अभी नए जुड़े हैं, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु पहली बार आपस में युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि इंद्र चाह रहा था, इंद्र शिव जी का भक्त है, नारद जी चाह रहे थे क्योंकि वो विष्णु के भक्त हैं, देखना चाहते थे कौन ज्यादा शक्तिशाली है। विश्वकर्मा जी ने
दो धनुष बनाए, एक धनुष दिया भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु के धनुष का नाम कौन बताएगा मेरे को, मैं वेट कर रहा हूं, भगवान शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, और भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम है शारंग। अब युद्ध का समय हो गया। अब जैसे ही भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए देखा, याद रखिएगा श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के दश अवतार में आते हैं, और भगवान भोलेनाथ बाबा नाम प्रभाव जान शिव नी को कालकूट फल दीन अमी को, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब भोले बाबा राम जी का नाम का उच्चारण नहीं करते, वो तो स्वयं कह रहे हैं चरित्र रघुनाथस्य षटकोटि विप्रस्थितम एक कई अक्षरम पुंसो महापात विनाशकम। अरे 100 करोड़ श्लोकों में तो राम जी की वंदना मैं करता हूं, आज तक पार नहीं जा पाया हूं कि कितनी महिमा है राघवेंद्र सरकार की। यदि कोई एक बार राम बोल दो, जय श्री राम, यदि कोई एक बार राम बोल दे, जैसे ही रा बोल देगा तो जितने भी उसके समुद्र के समान पाप है वो समेट लेंगे प्रभु श्री राम, और जैसे वो राम मां बोल देंगे, राम बोल देगा अपना मुंह बंद कर देगा राघवेंद्र सरकार, उसके सभी पाप को भस्म कर देंगे। ऐसे एक बार राम नाम लेने से फल मिलता है, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपका पूरा हो जाएगा। खैर, अपने अपने आराध्य अपने प्रभु को आते हुए देख भोले बाबा से रहा नहीं गया, उन्होंने तो वहां तांडव शुरू कर दिया। ओए होए होए, वो तो नाचने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय इतने में इंद्र ने बोला, अरे बाबा, अरे भोले बाबा रुको, अरे केदारनाथ अमरनाथ अभी ये नृत्य करने का समय नहीं है, युद्ध करने के लिए बुलाया है, युद्ध करो प्रभु। अब सोच रहे हैं मैं कैसे अपने आराध्य पर बाण चलाऊंगा, वहां पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, सोच रहे हैं ये तो मेरा प्राण प्रियतम, ये तो मेरा हृदय है, ये तो मेरे मिस्टर डिपेंडेबल है। मिस्टर डिपेंडेबल मींस जब किसी और से कोई सेवा नहीं हो पा रही हो, किसी और से कोई काम ना हो पा रहा हो, ब्रह्मा से ना हो पा रहा हो, किसी भी देवी देवताओं से ना हो पा रहा हो, पूरी सृष्टि प्रलय की स्थिति में आ जाए, संहार की स्थिति में आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, सभी के सभी भगवान शिव जी को पुकारते हैं, मेरे मिस्टर डिपेंडेबल है भगवान शिव जी, भोले बाबा हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये तो वैष्णव आनंद था शंभु है, ये तो वैष्णव में शिरोमणि है। खैर, ये नारद और ये इंद्र के चक्कर में हमें लीला करनी पड़ेगी। अब सहस्त्र युग परंत, सहस्त्र युग तक, देवी देवताओं के युग तक क्या होगा, क्या होता रहा, बाण चलते रहे, कोई किसी से हार नहीं रहा है, बस युद्ध चलते ही जा रहा है। और इंद्र ऐसे देख रहे हैं, दोनों ऐसे ही देखते जा रहे हैं, उन्हें मान लो कि उनकी खोपड़ी टेढ़ी हो गई, मुड़ गई हो, लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा, बाण पे बार। अब उसके बाद भगवान विष्णु ने सोचा, लगता है अब ये लीला यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, जानकी जी का जन्म महोत्सव होना है, जानकी जी की प्यारी प्यारी लीलाएं सुननी है, है? जानकी जी में कितनी मधुर वाणी है, जानकी जी का नाम में क्या रुचि है, और जानकी जी का कृपालु स्वभाव, ये सब जानना है हमें, उनसे शिक्षाएं ग्रहण करनी है। यहीं पर जो भगवान विष्णु ने युद्ध रोक दिया, अपनी मोहिनी का रूप नहीं धारण किया, अपना जिसको बोलते हैं ना You hypnotize the person. ऐसे भोले बाबा को क्या कर दिया, अपनी सुंदरता से मोहित होकर भगवान शिव जी का जो पिनाक है वो हाथ से गिर गया, और उसी समय भगवान शिव जी ने जब उनका धनुष छूट गया तो एक तरह से जैसे वो मूर्छित से हो गए, और उस समय प्रभु भगवान श्री विष्णु भोले बाबा को प्रणाम कर कर वहाँ से निकल गए। तो जब भगवान शिव जी को होश आया तो उन्होंने इंद्र को बुलाया, तुम्हारे चक्कर में मुझे अपने स्वामी से अपने आराध्य से युद्ध करना पड़ा, ये लो पकड़ो अपना ये धनुष। तो भगवान शिव जी ने अपना धनुष किसको दे दिया, इंद्र को दिया। ये वही धनुष है जो इंद्र ने महाराज देवरथ को दिया था,
जब देवव्रत ने सहायता करी थी देवताओं की असुर से युद्ध करने के लिए। देवव्रत ने आगे ये धनुष किसको दे दिया? महाराज जनक को दे दिया। और यही महाराज जनक के राज्यसभा में इस समय वहीं पर रखी हुई है, जिसमें 8000 योद्धा, बड़े से बड़े योद्धा उठाने में भी सक्षम नहीं है। हट्टे कट्टे जो योद्धा हैं, एक इंच हिलाते हैं, एक आधा घंटा एक घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उठते हैं। आज हमारी जानकी जी जनक महाराज जी हल जोत रहे हैं खेती के लिए, और उनका हल यदि किसी स्थान पर रुक जाए तो उनको ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा, उनको सोने का दान देना पड़ेगा। हल जोते जोते एक स्थान पर आकर जनक महाराज जी का जो हल है वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। जनक महाराज जी ने जब ध्यान से देखा तो एक बास्केट में स्वर्ण कांति की एक अति कोमल, अति सुंदर, अतिशय प्यारी कमल नयनी श्री जानकी जी एक छोटे से बक्से में तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जिस प्रकार वृषभानु जी को किशोरी जी भी धरती से ही प्राप्त हुई थी एक कमल के पुष्प पर, उसी प्रकार आज जनक महाराज जी को आज के दिन ही, भक्तों आज के ही दिन कमल नयनी जगत जननी जनक नंदनी जगत पालिनी श्री राम की अर्धांगनी श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रियतम रघुकुल तिलक रघुकुल मणि की हृदय श्री जानकी जी उस बक्से में प्राप्त हुई। जैसी जनक महाराज जी की आंखें पड़ी तो क्योंकि हल के अग्रभाग के स्पर्श होकर उस बक्से को उन्होंने प्राप्त किया था, हल के अग्रभाग के ना जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सीत कहते हैं, तो जनक महाराज जी ने उस पुत्री को उस कन्या को उस विधाता को प्रणाम करते हुए कि विधाता ने ही मेरे को ये पुत्री प्रदान करी है, ये मेरी कन्या है, ये मेरी पुत्री है, हल के अग्रभाग से प्रकट हुई है, मैं इसका नाम धरता हूं सीता। बोलो सीता मैया की जय हो। अतिशय मंगल प्रसन्नता लहर छा गई हमारे जनकपुरी में, मिथिला में संपूर्ण मिथिलावासी नाच रहे हैं गा रहे हैं। हमारे जनक महाराज अपनी छाती से लगाकर अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी स्वर्ण कांति जैसी कन्या को छाती से लगाकर राज्य में लेकर आते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को आगे कथा बढ़ानी है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जितने बड़े ध्यान से समय सुन रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप आनंद से प्रेम से कथा सुन रहे हो, लेकिन रात को 8 बजे, अभी तो मैं एक घंटा और कथा करूँगा, रात को 8 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी कथा आपको सुनाऊंगा, शायद ऐसी कथा मैंने ही नहीं करी होगी आज तक, रामचरितमानस से दोहों को पढ़कर तुलसीदास जी के एक दो, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता भय देही अदम सो नारी जो सेव न तेही, ये मैं कथा करूंगा रात को 8 बजे। और प्राण प्रीतम है ना, प्रभु श्री राम और जानकी जी का स्वयंवर करवाऊंगा, उनकी दी मैरिज सेरेमनी क्या हुआ था, कैसे पहली बार राम जी ने सीता मैया को देखा था, लक्ष्मण जी का क्रोध आएगा, आनंद आने वाला है। तो ये YouTube पे रात को 8 बजे सुनाऊंगा, मेरे टीम में से यदि कोई सुन रहा है मेरे YouTube का लिंक इस पे डाल दे 8 बजे रात को। कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सीता जी 6 साल की हो गई है, और 6 साल की हो गई है तो एक दिन क्या करती है, अच्छा जनक महाराज जी की दो और पुत्री थी, अपनी बहनों के साथ खेल कूदते हुए क्या करती है, बगीचे में घुस जाती है, गार्डन में चले जाती है। उनकी आंखें पड़ती हैं वृक्ष के ऊपर, एक बहुत सुंदर फल लगा हुआ है, कुछ कुछ अच्छे सुंदर सुंदर क्या है फूल भी हैं। तो हमारी सीता जी चाहती हैं कि मैं भी फूल निकालूं, मेरे को भी कुछ फल खाने हैं। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी प्यारी लीला है। तो सीता जी छोटी सी है, सिर्फ 6 साल की है, वो ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है फूल को उतारने के लिए, फल को खाने के लिए। वो जो वृक्ष था वो भी लीला करने लग जाता है, वो भी मैजिकल सा ट्री था। जैसे ही सीता जी हाथ आगे बढ़ाए वृक्ष पीछे हो जाए। अब छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी हमारी सीता जी है, ऐसे कोशिश कर रही है, हाथ में ही नहीं आ रहा, हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। नाराज हो गए, परेशान हो गए, बोला अब मैं नहीं, अब और नहीं।
सीता जी जो सिर्फ 6 साल की हैं राजमहल में जाती हैं और भगवान शिव जी का धनुष जिसको बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े गंधर्व, बड़े से बड़े राक्षस उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, हिला नहीं पाते हैं। हमारी सीता जी ने क्या किया, भगवान शिव जी का धनुष इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार मान लो कोई रुई का एक टुकड़ा तोड़ दे, समझ रहे हो, रुई का गुच्छा हो और उसमें से एक टुकड़ा तोड़ दो, ऐसे टुकड़ा तोड़ दिया गुच्छे में से ऐसे। अब जैसे मान लो कोई एक एक फूल को उसकी डाली से निकाल दे, बस ऐसे ऐसे भी नहीं, ऐसे उठाया चल दी। जैसे ही दास और दासियों ने ये देखा, ये छोटी सी 6 साल की बच्ची ने देवों के देव महादेव का धनुष उठा लिया, हाहाकार मच गया, पागल हो गए, उनकी पर्सनल दासियां तो बेहोश हो गई। और अब ये क्या कर रही है उस धनुष के साथ, भगवान शिव जी के धनुष के साथ, भगवान शिव बो इज बीइंग यूज्ड टू टेक आउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ए ट्री। जब दासी को होश आया भाग कर गई जनक महाराज जी के पास, महाराज महाराज आपको पता नहीं आपके महल में क्या हो रहा है। बोला क्या हो गया, बोला आपकी 6 साल की पुत्री ने देवों के देव महादेव के धनुष को उठा दिया है। जनक महाराज ने बोला ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, इसको चांटे बरसेंगे, ले जाओ इसको, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, इसका इलाज करवाओ, निकल यहां से। बहुत डांट फटकार मारी। बोले यार दासी बोले मेरे से विश्वास ही नहीं कर रहे। इतने में बात फैल गई पूरे के पूरे मिथिला में। उनके मंत्री ने जब आके देखा, चल क्या रहा है भैया, चल क्या रहा है, मजाक बना रखा है भगवान शिव जी का तुरंत। वो तो रोंगटे खड़े हो गए, पागल हो गए, दौड़ते हुए जाते हैं, महाराज जनक, महाराज जनक, ऐसे ऐसे सब कुछ बताया। जनक महाराज जी कहते मेरा मंत्री बोल रहा है तो बात सही हो सकती है। दौड़ते हुए गए और जब देखा उनकी नन्ही सी कोमल सी स्वर्ण कांति की प्यारी सी लाडली क्या कर रही है, भगवान शिव देवों के देव महादेव के धनुष के साथ खेल रही है। जनक महाराज जी भी एक समय के लिए चकरा गए। उनके मन में विचार आया कि लग रहा है मेरी बेटी के शरीर में कोई ब्रह्म राक्षस चला गया है, ये ऐसे कैसे कर सकती है। जब मंत्रियों ने जनक महाराज जी को शेक किया, प्रभु जस्ट लाइक आई एम शेकिंग यू राइट नाउ, जो कथा में बिल्कुल डीप में चले जाओ ना ध्यान से सुनते हुए, आप वहीं पहुंच जाते हो। उनको जब थोड़ा सा हिलाया और आपस में बात करने लगे, सीता इज लीस्ट कंसर्न्ड, गर्ल्स आर ऑलवेज लीस्ट कंसर्न्ड, है ना, गर्ल्स हैव दिस बेनिफिट, यू नो पापा है, माय पापा इज गोना टेक केयर, मेरा भाई है, सब सेट कर देगा, ऑल दैट स्टफ। तो सीता इज लीस्ट कंसर्न्ड, शी इज लाइक, वो अपनी खेल रही है। अब मंत्रिमंडल बैठ गया, पूरा मंत्रिमंडल बैठ गया, जनक जी से बातें हो रही हैं, जनक महाराज ऐसे देख रहे हैं, चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अब जनक महाराज जी के हृदय में एक बात आई, अपने मन में बात आई, अगर मेरी बेटी के हाथ में इतना बल है कि वो देवों के देव महादेव के धनुष को उठा ले, तो भैया जिसके साथ इसका विवाह होना है उसमें कम से कम इतना इसके बराबर का तो बल होना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि मेरी सीते क्या करे, अपने पति के कंधे पे हाथ रखे और उसका पति पताल में जाके गड़ जाए, वो मतलब कितनी शक्तिशाली होगी मेरी पुत्री। ऐसा विचार कर रहे हैं तो इसका तो स्वयंवर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव योर बेनेवोलेंस टू गेट माई डॉटर। तो ये कथा यहां से मैं आगे बढ़ाऊंगा। रात को जब जनक महाराज जी एक प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं कि सीता उसी की होगी, सीता उसी को अर्पण की जाएगी जो देवों के देव महादेव के धनुष को क्या करेगा, उठाएगा, उसका प्रत्यंच चढ़ाएगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, लक्ष्मण जी को कैसे क्रोध आ गया, ओफ ओफ कृष्णा, जय श्री राम, आनंद वाली लीला है। तो ये हमारी प्यारी सी छोटी सी सीता जी, ये शक्ति है, ये शक्ति है, शक्तिमान की शक्ति है ये, आप ऐसे मत समझो, राम जी की शक्ति है ये। तो आइए पहली लीला में हम प्रवेश करते हैं। बड़ी अति मधुर है, बड़ी 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 मधुर लीला मेरे को लगती है। इस लीला में आप जानेंगे कि सीता जी
कितनी करुणामयी है, कितनी कृपालु है। बहुत सारे जो यूथ हैं, जो डिवोटीज हैं, आपने शायद राम कथा में इसको श्रवण करा होगा, लेकिन मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूंगा बीच बीच में आप उत्तर भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, भूल जाते हैं। और जो मेरे फेसबुक के जो क्या नाम है फैमिली है, ये कथा मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। मैं 2 सेशंस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, 3-3 घंटे के कथा के, सीता मैया के। आइए श्रवण करते हैं कि माता जानकी जी कितनी कृपालु है। एक दिन की बात है, हमारे राघवेंद्र सरकार के मन में आया, ये वनवास में जब थे, वनवास में है ठीक है, जंगल में है, राम जी के मन में आया और अपने प्राण प्रियतम को देख रहे हैं दूर से और सोच रहे हैं ये सीता जो राजकन्या है, सब कुछ परित्याग करके, सारा ऐश्वर्य, सारा का सारा कंफर्ट को त्याग करके मेरे लिए यहाँ पर जंगल में भटक रही है, मेरे को सीता की कुछ सेवा तो करनी चाहिए ही चाहिए। ऐसा विचार प्रभु श्री राम जी के हृदय में आया कि आज मेरे को सीता की सेवा करनी है, मेरे को सीता से लाड़ लगाना है, मेरे को सीता को प्रेम करना है, सीता को धन्यवाद करना है, वो इतने कष्ट उठा रही है मेरे लिए। तो आज प्रभु श्री राम स्वयं जंगलों में निकल जाते हैं, वो जंगल में निकल जाते हैं और अलग अलग पुष्प, अलग अलग फूल चुनने लग जाते हैं। क्या कर रहे हैं आज राम जी, ये समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, अपने हाथों से फूल चुनते हैं, क्या करेंगे इन फूलों से माला बनाएंगे। अच्छा, माला बनाकर क्या करोगे? माला बनाकर मैं अपनी अर्धांगिनी की क्या करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसका श्रृंगार करूंगा। ऐसे हमारे राम जी सोच रहे हैं। ही सो स्वीट, ही लव्स सीता मैया। राम जी ने सुंदर सुंदर मालाएं बनाई और राम जी ने जैसे ही क्या कर दिया, सीता जी को अर्पण करने लग गए। आज शक्तिमान शक्ति की उपासना कर रहे हैं, आज शक्तिमान शक्ति की सेवा कर रहे हैं, आज शक्तिमान शुद्ध बुद्धि से शक्ति के क्या कर रहे हैं, शक्ति से प्रेम कर रहे हैं। तो जैसे ही राम जी ने एक फूल बढ़ाया, ये सब तो नकली पन है जो आज का यूथ करता है, रोज फॉर अ रोज है ना, अब अच्छा नकली। श्री राम जी ने अपने हाथों से फूल चुनकर, हम लोग तो जाके बुके परचेज कर लेते हैं, उसमें भी डिस्काउंट के लिए रोते हैं, अरे भाई, अरे यार 2 मिनट की बात है यार, क्यों पर 500 रुपये ले रहा है यार, 250 का ले लेना, वो मानगी तो मानगी, नहीं तो ये भी खराब जाएगा यार तेरा, अपने तेरे मुंह पे मारूंगा मैं। एनीवेज, राम जी ने अपने हाथ से फूल चुने, अपने हाथ से मालाएं बनाए। अब जैसे ही सीता जी को अर्पण कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भक्तों, ट्विस्ट आ गया। सीता मैया कहती हैं, प्रभु मैं आपसे नहीं स्वीकार कर सकती, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर फ्लावर। ओ माई गॉड, प्रपोजल डिनाइड। राम जी का प्रपोजल डिनाइड। राघवेंद्र सरकार पूछ रहे हैं, हे जानकी, आप मेरे से फूल क्यों नहीं लेना चाहते हो? मैया बड़ी प्यारी बात कहती है, मैया कहती हैं, प्रभु ये भी तो पर पुरुष है, ये भी तो कोई और जीव है, ये भी तो कोई पर पुरुष है, कोई पर प्राणी है, कोई दूसरा प्राणी है, मैं किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती हूँ। ओह माय गॉड, मैं किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती हूँ, मैं किसी भी पर पुरुष के बारे में विचार नहीं करती हूँ, मैं किसी भी पर पुरुष से बात नहीं करती हूँ, इसलिए हमारी जानकी जी को क्या कहा जाता है, पतिव्रता शिरोमणि, वो पति व्रत धारण करती है। और मैं अभी डिटेल में सुनाऊंगा सभी लड़कियों के लिए, सभी माताओं के लिए, फॉर ऑल दी गर्ल्स, फॉर ऑल दी वुमेन्स, हाउ यू आर सपोज टू बिहेव, हाउ यू आर सपोज टू बी रिस्पेक्टिंग योर हस्बैंड, इट्स गोइंग टू कम, प्लीज जस्ट स्टे टिल दी एंड। एक छोटा सा मैं आपको एक दोहा सुना देता हूं, तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं, सुनो मेरी बात। जब वनवास में थे ना, तो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया, वो माता सीता जी को बता रही है कि पत्नी किस प्रकार की होती है। सुनना चाहोगे? प्लीज अगर सुनना चाहोगे तो हार्ट्स को क्लिक करो, जय श्री राम बोलो। लेकिन मैं अभी लीला को आगे बढ़ाऊंगा, मैं एक छोटा सा श्लोक बता रहा हूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड। सुनो, बहुत पावरफुल है, शायद संभाल नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान से सुन लेना। यहां पर माता अनुसुईया कह रही है,
मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। राजकुमारी सीता जी को कह रही है वो अनुसुईया माता। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र पद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्राता भय देही अधम सोह नारी जो सेवन तेही। अब इसका अर्थ समझो। हे राजकुमारी, हे सीते, सुनिए माता, योर मदर, एवरी वंस, ऑल दी गर्ल्स, माता पिता भाई ये सब हित करने वाले हैं, ये सब आपका भला चाहते हैं। दे ऑल थिंक नाइस फॉर यू, योर मदर, योर ब्रदर, माता पिता, योर फादर एंड योर ब्रदर हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं, ये एक एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। बट योर फादर, योर मदर एंड योर ब्रदर, फॉर ऑल दी गर्ल्स आउट देयर, एक लिमिट तक ही ये आपको कुछ सुख प्रदान कर सकते हैं, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। ये माता अनुसुईया बता रही है माता जानकी जी को, और आगे बता रहे हैं, ऐसु पति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से, जो माताएं जो स्त्रियां पति का अपमान करती हैं, पति के सामने जोर से बोलती हैं, पति की डिसरिस्पेक्ट करती हैं, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी भांति भौतिक दुख पाती है। शरीर वचन और एक मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। माय गॉड, मैं डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा श्लोक और बता देता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। और जो लड़कियां, जो स्त्रियां, जो इस जो यू नो दे थिंक शादी तो कर लिया मैंने, लेकिन ये तो ये मेरा मेरा तो पति तो चपड़गंजू है, ये तो बेवकूफ है, प्रेशर में आके कर ली, अरे यार अपना तो ऑफिस में चल रहा है, सीन है अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी वैसे भी बहुत बुरा हाल है, यू नो दी वाइफ इज़ डेटिंग अनदर गाय, जबकि शी इज़ मैरिड एंड द हस्बैंड इज़ डेटिंग अनदर वुमेन, एंड इट्स ऑल केओस। बट क्योंकि आज हम स्त्री धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि माता जानकी, माता सीता पति व्रत शिरोमणि है, सो वी ऑल हैव, ऑल दी गर्ल्स स्पेशली हैव टू लर्न दीज लेसन्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमें सीखना क्या, जानकी जी हमें सिखाना क्या चाह रही थी, क्या सिखाने के लिए आई थी, बस सिया राम बोल दिया, हो गया। अरे ज्ञान से ज्यादा है विज्ञान, कथा सुनना अच्छा है लेकिन कथा को अपने आचरण में लाना उससे भी अच्छा है। अब सुनो, ये बहुत पावरफुल है, मेरे होश उड़ गए थे इसको पढ़ के। छन, छन मीन्स एक छोटे क्षण के लिए। छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख ना सुमजते ही सम को खोटी। बिनहु श्रम नारी परम गति लाई पति व्रत धर्म छाड़ी छल गाही। रामचरितमानस से तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों का दुख को नहीं समझती हैं, क्षण भर सुख के लिए जो लड़कियां क्या करती हैं, अपने ऊपर 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती है कि कितना दुख आने वाला है उनके ऊपर अगर वो अपनी पति व्रत का व्रत तोड़ती हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों का दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। माता अनुसुईया किसको कह रही है, सीता माता को। जो स्त्री छल छोड़कर पति व्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी भी माताएं मेरे को सुन रही हैं, जितनी भी लड़कियां मुझको सुन रही हैं, जिनकी शादी हो गई है, जो शादी करने की सोच रही है, याद रखना, और सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूं,
बेटे बेटी की बड़ी चाह होती है सबको कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। जिस घर में बेटा नहीं होता उस घर वालों के, उन घर वालों के चेहरे मुरझा जाते हैं। अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटा एक कुल को तार सकता है, अपने पिता के कुल को तार सकता है, लेकिन अगर आपकी बेटी हो गई तो आपके पिता के कुल को भी तार देगी और अपने पति के कुल को भी तार देगी। ऐसे होती हैं बेटियां। बेटियां माता सीता जानकी खुद कहती हैं, एक स्त्री में, एक कन्या में इतनी शक्ति होती है कि वो परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान को भी अपना पुत्र बना सकती है। ठाकुर जी पुत्र बने यशोदा मैया के, हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम जी पुत्र बने हमारे माता कौशल्या के। माता जानकी जी ने कहा है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, जल्दी से आपको श्रवण करा रहा हूँ कि एक पत्नी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति को मोक्ष प्रदान कर सकती है। उसके हाथों से यदि धर्म के कार्य करवाए, अपने पति से दान करवाए, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी माताएं मैंने देखा है, पति दान देना चाहता है, हाथ पीछे खींच लेती हैं, अरे देने की क्या जरूरत है, छोड़ो यार, पति दे रहा है 5,000 रुपए, पत्नी बोलती है 500 दे के रफा दफा करो। अरे आप धर्म पत्नी हो, धर्म में साथ दो अपने पति का। माता जानकी जी ने यही भी कहा है कि पति जब पुण्य करे तो उसका 50% पत्नी को मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन पति अगर पाप करे वो पाप पत्नी को नहीं लगता, उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान जो पत्नी है, अपने पति के हाथ से पुण्य का कार्य करवाती है। यहां तक माता जानकी जी ये भी कह रही हैं, और मैं आपको दोहे में भी सुना सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं है। जानकी जी कहती हैं, जो पत्नी अपने घर के परिवारजनों में भगवान का दर्शन करती है, विनम्र रहती है, चाहे थोड़ा सा सहन कर, क्योंकि राम जी देख रहे हैं, राम जी आपका साथ देंगे, आप दृढ़ रहना, आप सत्य रहना और आप प्रभु का स्मरण करते रहना, अपने परिवारजनों की सेवा करना, इतना करने मात्र से उसको सन्यासी का फल प्राप्त हो जाएगा। एक पत्नी को, एक पति व्रत धारण पत्नी को कभी भी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको स्वतः ही घर में बैठे बैठे सन्यासी का फल प्राप्त हो जाता है, उसको मोक्ष, उसको मंदिर, उसको भगवान अपने घर में ही मिल जाते हैं जब वो अपने पति की सेवा करती है। माता जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ने जा रहे थे ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में, कि पति का, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता मैं आपको श्लोक भी उच्चारण करके बता देता हूँ। माता जानकी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तप पत्नियों के लिए पति की तपस्या है, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ी पूजा, सब कुछ पति की सेवा है। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है आप कृपया ये श्लोक सुन लीजिएगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सुनिएगा, यहाँ पर जानकी जी कह रहे हैं, पति शुश्रुणस्त्रस्तयस्तोपा नान्नद विधायते, स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पति व्रता स्त्री तो परमात्मा को भगवान भी बना सकती है। और यहां पर कह रही हैं हमारी माता जानकी जी, एक मिनट दीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। पतिहिम देवता नार्यो पतिर बंधु पतिर गृह प्राणयोस्य प्रिय तस्माद् ऋतु कार्यः विशेषतः। सभी माताओं के लिए प्लीज ध्यान से सुनना, ये तब है जब राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि तुम जानकी को कहाँ ले जाओ, वाल्मीकि जी के आश्रम में ले जाओ, तो बीच रास्ते में लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मेरे को राम जी ने भेजा है आपको यहाँ पर जंगल ले जाने के लिए। तो जब ये बात उनको बताई कि मैं तो वास्तव में आपको वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में छोड़ने आया हूँ, सीता जी ये कह रही है, मेरे पति देव जो कुछ करते हैं वह योग्य करते हैं, पति की आज्ञा का पालन करना यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है। और यहां तक जानकी जी कह रही हैं, ममिकेयम तनूरनम सृष्टा द्रवाया लक्ष्मणम, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मेरी चिंता ना करो लखन, मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण, इसे सत्य मानो लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है यह तो मैं ही जानती हूं, मेरा त्याग उन्होंने किया है उसको मुझे, उसका मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे बस चिंता इस बात की है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा, यह तो किसी और स्त्री को देखते तक नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई के चरणों की सेवा मैं अब तुम्हें सौंपती हूँ। राम जी भले ही मेरा त्याग कर दें, लेकिन सीता जी के मन में, राम जी भले ही सीता जी का त्याग कर दें लेकिन सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी कुभाव नहीं है, इस प्रकार प्रेम है पति के लिए सीता जी का
अनन्य प्रेम है और ऐसा पति व्रत धारण करना चाहिए सभी स्त्रियों को, ये सिखाने के लिए आई है हमारी जानकी जी। खैर मैं तो कहां से कहां चला गया था। आज हमारे राम जी अपने हाथों से फूल चुन कर आए हैं और जैसी वो माला पहनाने जा रहे हैं मना कर देती हैं जानकी जी, और अब बहुत ही स्वीट होने जा रही है कथा। इट्स गोइंग टू गेट वेरी स्वीट। एक बार महामंत्र का उच्चारण करें, सभी जय श्री राम लिखें और मेरे को दो मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत प्यारी होगी अब लीला। तो जब पता लग गया कि देखो कितनी पतिव्रता धारण है, कितना हाई स्टैंडर्ड है कि मैं फूल कभी स्पर्श नहीं करूंगी क्योंकि फूल भी पराया है, ये कोई और प्राणी है। अब राम जी विचार करने लग गए, अब मैं अपनी अपनी सीता की सेवा कैसे करूं, उसको प्रेम कैसे करूं। तो आज राघवेंद्र सरकार फूल ही बन गए, वो स्वयं फूल बन गए। स्वयं फूल बनने के बाद नाउ राम हैज बिकम ए फ्लावर। इमेजिन लॉर्ड राम इन ए फ्लावर। राम जी फूल बन गए और फूल बनने के बाद वही सीता मैया के माथे की बिंदी बन गए, वही सीता जी के जानकी जी के हृदय के पुष्प की माला बन गए। राम जी ही अपने सीता जी के क्या बन गए, आंखों के अंजन बन गए, वही हमारे जानकी जी के कानों के कुंडल बन गए, अब उनके हाथों के क्या बन गए, चूड़िया बन गए। और अब राम जी अपनी प्राण प्रियतम तो अब जानकी जी के जैसे ही वो अब वो माथे की बिंदी बन गए, गले के हार बन गए, वो उनकी आंखों का अंजन बन गए, वो उनके कानों के कुंडल बन गए, हाथों की चूड़िया बन गए। अब राम जी हमारे सीता जी के चरणों के नुपुर बनने जा रहे हैं, पायल बनने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चरणों की ओर जाते हैं जानकी जी रोक देती है, नहीं प्रभु नहीं, ये आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो प्रभु, लेकिन आप मेरे चरणों को मत स्पर्श कीजिएगा, आपके चरणों में तो मेरा नित्य निवास है, ये यहाँ पर आप मेरे चरणों पे, आपने ये विचार कैसे कर लिया प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, मैं कौन हूं, रामेर गृहिणी हूं, मेरा नित्य हर दम हर समय हर क्षण, जब मेरे पिताजी ने जनक महाराज जी ने मेरे को आपके हाथ सौंपा था उन्होंने यही कहा था कि हे पुत्री तुम्हें राम के पग पग पर कदम कदम पर साथ चलना है, whether it's in health, whether it's in disease, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, राम जी आप हे राघवेंद्र सरकार, हे प्रभु मेरे चरणों की ओर कृपया भी कभी मत सोचेगा, आपके चरण मेरे नित्य स्थान है। रोक दिया जानकी जी ने हाथ रोक लिया। तो ऐसी प्यारी सी लीला चल रही है, लेकिन अचानक बीच में कौन आ जाता है, याद करो भक्तों, याद करो, मैंने आप लोगों को लीला सुनाई है लेकिन बहुत सारे भूल गए हैं, बीच में आ जाता है जयंत। मेरे को आपको तीन लेसन सुनाने हैं, तीन लीलाएं सुनानी है और तीन लेसन सुनाने हैं, हम अभी पहले लीला पे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 12 बज रहे हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि 12:30 बजे तक इस सेशन को मैं समाप्त कर दूं, ठीक है। अब बीच में आ जाता है जयंत। जयंत कौन है, जयंत है इंद्र का पुत्र, देवराज इंद्र का पुत्र। जयंत बोलता है कि बहुत सुना है मैंने राम में इतनी शक्ति है, राम में इतनी शक्ति है, राम ऐसा है, राम ऐसा है, है एक वचनधारी है, सत्यव्रत धारी है। भाई आप लोगों को याद है राम जी की कथा में मैंने आपको क्या क्या सुनाया था, है धर्मगस्य वीरस्य, याद है आपको कि नहीं है, कृतज्ञस्य सत्यो वाक्यो दृढ़व्रता। राम जी अगर एक बार एक बाण निकाल ले तो फिर वो वापस नहीं जाता, वो अंदर नहीं जाएगा, वो चलेगा ही चलेगा। तो अब जयंत क्या करता है, इंद्र का पुत्र जयंत एक ही टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ क्रो, वो एक क्रो बनकर आ जाता है और देखता है कि देखता हूं जरा कितनी शक्ति है राम जी में, और वो जाकर सीता जी के चरणों में क्या करता है, चोंच मार देता है। अब जैसी चोंच मार देता है, एंड द टाइटल ऑफ दिस लीला इज सीता मैया का कृपालु नेचर, लाइक हाउ मर्सीफुल इज सीता मैया। अब जैसी वो जयंत माता जानकी जी के चरणों में चोंच मारता है, वहां से रक्त निकलने आ जाता है, रक्त निकलने लग जाता है और खून निकलने लग जाता है। अब जैसी खून निकलने लग जाता है, राम जी की जैसी नजर पड़ी कि मेरे प्राण प्रियतम के चरणों से खून निकल रहा है, ध्यान से देखा तो
समझ गए ये जो दिस क्रो ये तो वास्तव में जयंत है, ये इंद्र का पुत्र है, ये मेरी क्या करने आया है, मेरी शक्ति को देखने आया है, मेरी शक्ति को आजमाने आया है कि मेरे में कितनी शक्ति है। भक्तों याद करो खर दूषण का सीन, ये खर दूषण ने सिर्फ मुंह से ये बात बोल दी थी जो तुम्हारे जो तुमने स्त्री छुपाई हुई है ना वो हमारे समक्ष प्रकट करो। राम जी को खर दूषण ने ये बोल दिया था कि जो स्त्री छुपा रखी है मतलब जो तुम्हारी जो सीता को जो तुमने छुपाया हुआ है ना अपने पीछे वो हमारे सामने लेके आओ। राम जी ने जब ये बात सुनी थी ना और 10,000 असुर लेके आए थे खर दूषण, राम जी ने सिर्फ अपना धनुष उठाया था और टंकार बजाई। ही डिड नॉट पुट एन एरो ऑन द बो, ही जस्ट पुल्ड हिज बो। बाय पुलिंग हिज बो 10,000 योद्धा जो थे रावण के योद्धा वो भैरे हो गए, दे वेंट डेफ, अंधे हो गए, कुछ भैरे हो गए, कुछ अंधे हो गए, कुछ तो मरी गए। खर दूषण तो पता नहीं कितने दूर जाके गिरे, अभी तो बाण नहीं लगाया था, मेरे सीता जी के बारे में ऐसे वाणी बोल रहे हो और यहां पर तो जयंत ने चोंच मार दी है। राम जी के पास अभी धनुष नहीं थी, he did not have his bow with him, ठीक है, अभी तो वो सेवा कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, घास को तोड़ दिया, एक दिन का घास का निकाला, ठीक है, ऐसे आराम से बैठे हुए थे, एक दिन का घास का निकाला, उस दिन के घास से एक बनाई धनुष और एक और तिनका का निकाला और उस तिनके से क्या बना दिया, वो बना दिया एक बाण। घास के तिनके का है धनुष और घास के तिनके का है बाण और चला दिया बाण। और ऐसा वैसा बाण नहीं चलाया, भक्तों याद करो मैंने कौन सा बाण बताया था, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को बुला दिया। ब्रह्मास्त्र इज लाइक द अल्टीमेट, इसके आगे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये फिनिश्ड, खत्म। प्रलय, जब प्रलय होता है ना, जब प्रलय करनी हो तब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, प्रश्न उठाया जाए ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया प्रभु श्री राम ने, कोई भी अस्त्र शस्त्र चला दे। राम जी बताना चाह रहे हैं जो शक्ति के ऊपर दुष्ट दृष्टि को दृष्टि से देखेगा, जो नारी को, जो लड़कियों को, जो नारियों को गलत कुभाव की नजरों से देखेगा उसके ऊपर सबसे बड़ा दंड चलाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया क्योंकि भारत की नारी शी इज नॉट ए लेडी, ये बस नारी नहीं है, भारत की नारी शक्ति है, वो पूजनीय है। राम जी के आगे सीता का नाम सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण के आगे राधा का नाम राधे श्याम, भगवान शंकर के सामने किसका नाम गौरी शंकर, हमेशा शक्ति का नाम शक्ति के आगे आ रहा है। कितना कितनी सेवा और कितनी मर्यादा के साथ हमें उनको पूजना चाहिए। ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया, ब्रह्मास्त्र निकल पड़ा जयंत को मारने के लिए, जयंत भाग रहा है त्राही माम करते हुए ब्रह्मा जी के पास जा रहा है। ब्रह्मा जी ने बोला चलो ठीक है हेल्प करने की कोशिश करता हूं, तो तुम्हें डर किससे है, राम बोला, प्रभु श्री राम बोला, बोला निकल जा यहां से कोई रक्षा नहीं मिलेगी। भगवान शिव जी के पास गए, बोला किससे पंगा ले लिया, वहां पे पीछे से ध्यान से देखा प्रभु श्री राम का बाण आ रहा है। बोले बाबा ने बोला 2 मिनट में निकल जा यहां से, निकल जा यहां से कभी मेरा कैलाश पर्वत भी तहस नहस हो जाए। अपने पिताजी के पास गया इंद्र के पास, इंद्र ने बोला इतने चमाट मारूंगा, इतने चांटे बरसेंगे, किसने कहा था पंगे लेने के लिए, प्रभु श्री राम तेरा दिमाग खराब है, है? जानकी जी ने वैसे भोलेनाथ जी का वो क्या नाम है धनुष उठा लिया, तू उनके आराध्य पति परमेश्वर से पंगे लेंगे, पर निकल जा भाई निकल ले। पिता ने भी मना कर दिया। अब दौड़ता हुआ जाके जानकी जी, नहीं सॉरी, बीच में मिल जाते हैं नारद मुनि, थर थर कांपता हुआ सबसे क्षमा सबसे भीख मांग रहा है कि मेरी रक्षा करो, बीच में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को तरस आ जाता है, उनको दया आ जाती है, वो कहते हैं क्या हुआ जयंत, और जयंत सारी बात बताता है। तो नारद मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो राम जी के पास वापिस जाओ और उनसे क्षमा मांग लो। बोला प्रभु आप मरवा रहे हो, आप वैसे ही बोल दो ना मेरे को मरवाना चाहते हो, अब उल्टा मेरे को राम जी के पास भेज रहे हो, मार डालेंगे प्रभु। बोला तूने क्या किया है, ऐसा क्या कर दिया। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनके प्राण प्रियतम अर्धांगिनी के चरणों में चोंच मारी है। नारद मुनि हंसे और नारद मुनि ने कहा बस इतना ही किया है। अरे तूने जयंत तूने तो सिर्फ चोंच मारी है, मैं तो उनके अर्धांगिनी से शादी करने निकल पड़ा था, मैं राम जी ने मेरे को क्षमा कर दिया तो तुम्हें भी क्षमा कर देंगे, बहुत ही कृपालु है हमारे राघवेंद्र सरकार। और याद करो विभीषण से उन्होंने कहा हुआ है जब कोई एक बार भी मेरे चरणों में क्या कर दे बस ये बोल दे कि नमामि श्री राम,
यू ऑल कैन कमेंट नमामि श्री राम, मैं उसे सब वैर्य उसे भूल जाता हूँ, उससे सारा का सारा कुभाव उसे भूल जाता हूँ, उससे सारी दुश्मनी भूल जाता हूँ, और यहाँ तक कि रावण भी इस समय आकर मुझसे सिर्फ क्षमा ही मांग ले तो मैं उसको अपने हाथों से लंका का उसका राज्य तिलक उसका राज्य अभिषेक कर रहा हूँ, बेशर्त कि बस वो क्षमा मांग ले। हम क्षमा ही तो नहीं मांग पाते हैं। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जयंत वापस गया, सीधा जाकर एक हाथ से राम जी के चरणों में पकड़ दंडवत प्रणाम करता है, एक हाथ से माँ जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता है, राम जी के चरणों में इसलिए प्रणाम करता है कि राम जी दंडित ना करें, सीता जी के चरणों में इसलिए प्रणाम कर रहा है कि सीता जी बड़ी कृपालु है, द टाइटल इज माँ जानकी जी कितनी कृपालु है कि बड़ी कृपालु है, वो क्षमा कर देंगी, दंड ना दें राम जी ये क्षमा कर देंगी। अब सुनिए कि आज के दिन हमारी सीता मैया प्रकट हुई है, वो कितनी कृपालु है, हाउ स्वीट शी इज, शी इज सो क्यूट। राम जी को कहती है, अरे काहे गरम हो रहे हो, काहे गरम हो रहे हो मेरे राम जी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, छोड़ दो इसको, बच्चा है, बालक है। राम जी ने बोला, बालक है, बच्चे ऐसे होते हैं, चोच मारते फिरते बच्चे। बोला, प्रभु कौवे का काम क्या है, चोंच मारना। अब अगर मैंने इसको भोजन खिलाया होता, इसको कुछ खिलाती मैं, तो ये चोंच थोड़ी ना मारता, गलती मेरी है, मैंने इसको खिलाया नहीं समय पे ना, तो इसलिए इसने मेरे को चोंच मार दी, मैं इसकी माँ हूं, जगत जननी, ये पूरी जगत की माता है, सीता माँ इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स, शी इज ट्रीटिंग अ क्रो लाइक हर चाइल्ड, शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट जयंत, whereas she's been hurt brutally, yet she's protecting Jayant. राम जी ने बोला, नहीं भरना तो इसको पड़ेगा। सीता जी देख रही है, क्रोधित और ज्यादा हो रहे हैं, एक और अस्त्र, एक और बाण चला दिया। बोला, देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई है। और ये लड़कियों को ना, ये माताओं को ना बड़ा चक्कर है ना, किसी को भाई बना देंगी, किसी को चाचा बना देंगे, सॉरी मतलब, अब सीता जी ने क्या बना दिया, मेरा भाई है, भाई है। ये भाई कब बन गया आपका? बोला, देखो मैं किसकी शिष्य हूं, नारद मुनि की हूं, मैं नारद मुनि के शिष्य हूं, और ये जयंत है ना, ये नारद, ये भी नारद का शिष्य है, तो एक तरह से हम दोनों के गुरु एक हैं, तो ये मेरा गुरु भाई हुआ, तो अगर ये मेरा गुरु भाई हुआ तो ये मेरा भाई है, और अगर ये मेरा भाई हुआ तो ये आपका साला है, आप अपने साले को मारोगे? अब ये साले बड़े साले होते हैं। तो राम जी भी हंस गए। राम जी ने बोला, ये बड़ी चलाक है। जनक नंदिनी मंद मंद मुस्कुराए राम जी, और राम जी ने कहा, जयंत जा, छोड़ दिया तेरे को, निकल ले पत्नी गले से निकल लियो, आज अगर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तो तुम्हें जानकी जी के कारण छोड़ रहा हूं, तुम्हें सीता जी के कारण छोड़ रहा हूं, इनकी कृपा दृष्टि तुम पे बरस गई तो आज मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। This is our holy hope, भक्तो, जिन्होंने ये कथा पहली बार सुनी है, एक बार जय श्री राम जरूर बोलिएगा, and click those hearts, I love this लीला, जय श्री राम। तो हमारा होप यही है, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकं शरणं व्रजा त्वं स्वं अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब आप कृष्ण के पास जाएंगे, जब आप राम जी के पास जाएंगे, राम जी चेक करेंगे, और राम जी क्या चेक करेंगे, राम जी के आगे उनके अयोध्या के सामने हनुमान जी खड़े हैं, राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनाम मनुजम मार्तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजौ वानुयुत मुक्तम श्री राम दूतम सुरसेन मामी। अयोध्या में प्रवेश करने से पहले राम के दूत हैं हनुमान जी, ही इज एट द चेक पोस्ट, वो चेक करेंगे। ये जो अपने आप को बड़ा राम जी का भक्त बताता है, ये जो बड़ा जय श्री राम करते रहते हैं अपने घरों में, ये क्या शराब पीते हैं? शराब पीते हैं तो राम जी के भक्त नहीं है। मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, राम जी के भक्त नहीं है। ये पर स्त्री पर पुरुष का संबंध रखते हैं, राम जी के भक्त नहीं है। ये जुआ करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, हैं खैनी खिला दो इनको, ये सब करवा दो, फूके सुट्टे मरवा लो इनसे, हुक्के मरवा लो इनसे, राम जी के भक्त नहीं है। तो राम जी और कृष्ण सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन जानकी जी और हमारी श्री जी ये बड़ी कृपालु हैं यार। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, या आप आज के दिन ऐसा कह लो, ओ करुणामयी कृपामयी
मेरी दया मही सीते, ओ करुणा मही हो, कृपा मही हो, मेरी दया मही राधे, करुणा मही, कृपा मही, ओ मेरी परम करुणा वरुणालय, इनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, तो ये क्षमा कर देती है। राम जी क्षमा कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र इसलिए चल गया था तो राम जी का बाण वापस नहीं आ सकता। राम जी ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, इसको मृत्यु दंड नहीं देता हूं, आंखें निकाल दी, क्योंकि इन्हीं आंखों से गलत दृष्टि से क्या कर रहा था, देख रहा था माता जानकी को, आंखें निकाल दी। और रावण ये कह रहा है जयंत को कि उन्होंने तो मेरी आंखें निकाल दी, सीता मैया डांटती है कि वास्तव में मेरे प्रभु राम जी ने तुम्हारी आंखें निकाली नहीं है, तुम्हारी आंखें शुद्ध कर दी, आज के बाद ये आंखें कभी भी कुभाव से किसी और को नहीं देखेगी, अब ये आंखें सिर्फ राम जी को ही देखेंगी। आह भक्तो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम का भजन करो और आराम करना छोड़ो। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम राम भजो आ राम तजो, राम भजो आ राम तजो, राम भजो आ राम तजो, राम भजो आ राम तजो। तो इस प्रकार हमारी पहली लीला यहीं पर समाप्त होती है, जिसका टाइटल था, जिसका मेन जो पॉइंट था कि श्री जानकी जी अति कृपालु हैं। कितनी कृपालु हैं, उनको चरणों में चोंच मारने वाले को भी क्षमा कर देती हैं। आइए दूसरी लीला, और अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सारी लीलाओं को, और दूसरी लीला में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। प्लीज कमेंट करते रहें, प्लीज क्लिकिंग दोज हार्ट्स। अब हम जानेंगे कि सीता मैया में नाम में कितनी रुचि है। हाउ मच डस शी लव चैंटिंग लॉर्ड राम्स नेम। क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें, क्या आप में से कोई बता सकता है आज आपने कितनी मालाएं कर ली हैं। आधा दिन निकलने वाला है, सीता जी का, माँ जानकी जी का प्रकट्य महोत्सव है। कितना समय आपने माता जी के लीलाओं को याद करने में, स्मरण करते हुए राम जी के नाम में उच्चारण आपने लगाया है। अगर आप मेरे से शेयर करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। नाउ दिस लीला विल टेल यू हाउ मच सीता मैया लव चैंटिंग। आज हनुमंत लाल जी कह रहे हैं कि प्रभु समय आ गया है, मेरे को कहां जाना है, लंका जाना है और माँ जानकी जी को खोज के लेके आना है। हे प्रभु, माँ जानकी जी का कोई लक्षण बताइएगा, वो दिखती कैसी हैं, क्योंकि जब मैं लंका में जाऊंगा और जब मैं लंका में प्रवेश करूंगा, वहां पर तो बहुत सारी देव कन्याएं हैं, रावण तो कन्याओं से लिप्त रहता है, मैं कैसे पहचानूंगा जानकी जी को। राम जी ने कहा, मेरी प्राण वल्लभ के लंबी लंबी आंखें हैं, वो कमल नयनी हैं, उनके लंबे लंबे केश हैं, और इस प्रकार राम जी वो स्वर्ण कांति की हैं, तप्त कांचन, शी इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। ऐसे राम जी अपनी अर्धांगनी का वर्णन करने लग गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, मैंने कभी भी माता सीता को
कभी देखा नहीं है, चरणों से ऊपर तो मैंने अपनी मां के दर्शन कभी करे नहीं है। प्रभु मैं किसी स्त्री को देखता नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, कोई और लक्षण बताओ ना प्रभु, शरीर तो मैं देखता ही नहीं हूं। आह धन्य हो श्री हनुमंत लाल जी, धन्य हो। राम जी ने कहा तो सुनो, जहां पर मेरी सीता विराजती होंगी उस घर की दीवारों से राम 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 नाम का उच्चारण होगा। क्या बात है, जिस घर में वो विराजती होंगी उस घर के दीवारें क्या बोल रही होंगी, राम नाम। जहां पर मेरी प्राण प्रियतम अर्धांगनी विराजती होंगी, अगर वो जंगल में होंगी तो जंगल के वृक्ष, जंगल के पौधे, जंगल के फूल, यहां तक कि जंगल के पत्थरों में से भी आवाज और आवाज आ रही होगी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नमामि श्री राम। अरे हनुमान, दीवारों से राम नाम आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वृक्षों से, फूलों से, पत्थरों से राम नाम की आवाज आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस स्थान पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्वयं पंच महाभूत एक स्वर में, एक समय में जय श्री राम का मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, समझ लेना वहीं पर मेरी जान की जी, वहीं पर मेरी सीते वहीं पर विराज रही है, वहीं पर है। कैन यू इमेजिन, इसका मतलब पृथ्वी से भी राम नाम का ध्वनि आ रही है, जल चलने वाली नदियों से राम नाम उच्चारण हो रहा है, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि राम नाम का उच्चारण कर रही है, वायु चलने वाली हवा में राम नाम का उच्चारण हो रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश राम 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 बोल रहा है, समझ लेना वहीं पर मेरी जानकी जी विराजती हैं। हनुमंत लाल जी जब प्रवेश कर रहे थे लंका में, इधर उधर ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, और जब पहली बार सीता मैया को देखा था, इतना लंबा पोयम हनुमान जी ने गाया, ही ऑल्सो रोट ए पोयम एंड ही सैंग इट फॉर सीता मैया। समय नहीं है आपको पूरी पोयम को सुनाने के लिए, लेकिन एक लाइन जरूर गाना चाहूंगा। जननी हम राम दूत हनुमान, जननी हम राम दूत हनुमान, हे जननी हे जगत पालनी जगत जननी, जननी हम राम दूत, में राम का दूत हूँ, जननी हम राम दूत हनुमान। तो ऐसे जब उन्होंने राम जी की महिमा का गुणगान शुरू करा, वर्णन आता है रामायण में और हम श्रवण कर रहे हैं कि सीता मैया में भगवान के नाम में कितनी रुचि थी, तो यही लक्षण से हनुमान जी ने पहचाना कि यहीं पर सीता जी विराजती हैं। अचानक लंका में वो खोज रहे थे माता जानकी जी को, अचानक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी से एक स्वर, एक समय से राम नाम का उच्चारण की ध्वनि आ रही थी, समझ गए ये वही स्थान है। स्थान का नाम था अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं, शीशम के वृक्ष के नीचे माता जानकी जी, जिनका सारा का शरीर बड़ा क्षीण हो चुका है, कुछ खाया पिया नहीं है, उनकी अंग कांति क्षीण हो चुकी है, लेकिन एक हर प्रत्येक स्वर में राम 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 राम। कमल के पुष्प से माता जानकी जी ने एक बहुत बड़ा राम नाम लिखा हुआ था जमीन पर। शी रोट राम विद फ्लावर्स विद वन पॉइंटेड अटेंशन, शी वॉज लुकिंग एट द लॉर्ड राम्स नेम एंड शी वॉज चैंटिंग लॉर्ड राम्स नेम। लुक एट द स्टैंडर्ड ओवर व्हाट सीता मैया इज ट्राइंग टू टीच अस। ये है रुचि, ये है नाम की, नाम में आश्रय लेना सीता जानकी जी का। यहाँ पर मैं दूसरा लीला यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन इसके साथ के साथ एक लेसन भी आपको दे रहा हूँ। तीन लीलाएं सुनाऊंगा, तीन लेसन सुनाऊंगा। पहला लेसन यहाँ पर हम सभी के लिए है कि जो भक्त बार बार मेरे को मैसेज करते हैं कि प्रभु जी मेरा पति तो भक्ति में नहीं है, मेरे पति जी नहीं करते, मेरे घर में और कोई भक्ति नहीं करता है, मैं अकेली जपती रहती हूँ, मैं अकेली जूझ रही हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है, मम्मी नहीं मानते, पापा तो बोलते हैं पढ़ाई पर ध्यान दे लगे, चांटे बरसेंगे, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं क्या करूं, कैसे भक्ति करूं, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए माँ जानकी जी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। लेसन नंबर वन, माता जानकी जी के पास भक्तों का संग नहीं है, वो अकेली है अशोक वाटिका में, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान नाम में आश्रय ले लिया। रामायण कहती है 14 साल का वनवास,
सीता मैया ने रावण के लंका में रहकर कैसे काटा, नाम का आश्रय लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम में आश्रय लेता है प्रेम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, मैं बता रहा हूं आपको, राम जी का नाम आपको आसपास की टेंशनों से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, लोगों के गालियों से बचा कर रखेगा, आपके संकल्प को दृढ़ रखेगा। माता जानकी जी क्या करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भक्तों का संग नहीं है, कोई भागवत रामायण गीता पढ़ने को नहीं है, राम 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 राम, नित्य राम नाम का उच्चारण करते रहना, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो। यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रावण अलग अलग क्या नाम है ना, कुछ कोशिशें करता था जानकी जी का ध्यान भटकाने का, ध्यान मत भटकने देना आप। वो विद्युजा का उसने क्या किया, एक असुर को बुलाया विद्युजा, वो राम का शरीर उसने धारण किया, सीता मैया के सामने उन्होंने उसका गला काट दिया, ऐसे लगा कि राम का गला ही कट गया। आपको ये सारी लीला पता है। तो यहां पर जो टीचिंग है, अकेले सीता मैया ने भक्ति कंटिन्यू करके रखी, किसके सहारे, भगवान के नाम के सहारे। आप भी अपने घर में बैठकर अकेले, जिनके पास भक्तों का संग नहीं है, जो अभी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जो जिनके पास गीता नहीं है, भागवत नहीं है, आप कर सकते हो भक्ति। आप में निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। जानकी जी आज आपको आशीर्वाद देंगी, अकेली भक्ति कर रही है लंका में, याद रखिएगा। एंड आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली, माया क्रिएट्स वेरियस ऑब्स्टिकल्स, वेदर दे आर रियल और दे आर इमेजिनरी। माया क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स, रावण ने एक इमेजिनरी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है, राम जी का वो इसे सर काट के दिखाया, इमेजिनरी है। माया क्रिएट्स वेरियस ऑब्स्टिकल्स वेदर इट्स रियल और इमेजिनरी टू डिस्करेज द डिवोटी, टू डिस्करेज अस। रिमेंबर, डिस्करेजमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ डिफीट इन भक्ति। रिमेंबर एंड आई वुड लाइक टू रिपीट, डिस्करेजमेंट इज the beginning of defeat in bhakti. I repeat that again, discouragement is the beginning of defeat in bhakti. अगर आप discourage हो गए, नहीं कर पाऊंगी मैं, वो बार बार टोकते रहते हैं, नहीं हो सकता, अगर आप discourage हो गए, that is the first step in the defeat in bhakti. ये याद रखना आप। So this is the lesson that Sita Maiya is teaching us. अब लीला number 3, यहां पर हम वर्णन करेंगे कि सीता जी की मधुर वाणी, वो कितनी मधुर बोलती हैं और कैसे सब उनसे प्रेम करते हैं। थोड़ा सा पानी का ब्रेक, महामंत्र का उच्चारण करें, जय सियाराम जय श्री राम, प्लीज आप जरूर कमेंट करें। माता सीता जी की वाणी कितनी मधुर थी कि वो आज तक कभी भी राम जी के आगे ऊंच स्वर में नहीं बोली। और मैंने रामायण कथा के समय बताया था कि ये जो जीवा है ना, कलियुग का जो जो जड़ है ना, कलहा, कलियुग का मतलब जिस युग में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, आपस में लड़ाइयां होती हैं छोटी छोटी बातों में, तो ये कलहा का जो जड़ है वो है जीव। ये जीव इतनी सॉलिड है, इतनी शक्तिशाली है कि ये सारे दांतों को तोड़ देती है। मैंने एग्जांपल सुनाया था अगर आपको याद हो, कि एक बार ये क्या नाम है, दांत 32 हैं, तो ये दांत क्या कह रहे हैं जीवा को, बोल रहे हैं कि अबे ओए पतली सी मरियल सी है, देख कैसे हमारे 32 के बीच में ऐसे लगी हुई है पतली सी, बट मजाक उड़ा रहे थे। तो जीवा ने बोला अच्छा ये बात है। एक बहुत हट्टा कट्टा बंदा आगे से निकल रहा था, जीव से निकल गई एक गाली। जैसे गाली आई तो आगे से बंदे ने क्या किया, एक मुक्को मारो 32 के 32 बार। अब 32 नीचे गिरे पड़े। अब जीव बोलती है, हांजी क्या हाल चाल है, तुम मेरे को चलाओगे, बता मारो। खैर, तो कहते हैं बोली के भाव, गोली के भाव भर जाते हैं साहब, लेकिन बोली के नहीं। गोली लग जाए ना तो उसको ऑपरेशन से करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन बोली, जब आप किसी को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, कर्कश वाणी से बोलते हो,
that hits the heart very, very deep. And sometimes the whole life passes, you know, a person can't take your words out of his mind and his heart. तो इसलिए कहते हैं गोली का भाव भर जाते हैं साहब, लेकिन बोली के नहीं. हमेशा बोली बोली आप प्रिय रखो, मधुर रखो. कहा जाता है जो मीठा बोलते हैं उनके कभी दुश्मन नहीं होते हैं. जो मीठा बोलते हैं वो निरोगी रहते हैं, वो उनकी आयु लंबी होती है. और मैंने आपको उत्तर दिया था और एक एग्जाम्पल भी दिया था, क्या कारण है कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ में बांसुरी है. कृष्ण कन्हैया तबला क्यों नहीं बजाते हैं, वो गिटार क्यों नहीं बजाते हैं, वो सितार क्यों नहीं बजाते हैं, क्यों वो पकड़ रहे हैं हाथ में बांसुरी? क्योंकि बांसुरी से जो भी स्वर निकलता है वो मधुर ही निकलता है. बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो सज्जन और दुर्जन दोनों को ही अपनी तरफ आकर्षित करती है. बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सांप को भी आकर्षित करती है, एक हिरण को भी आकर्षित करती है. इसलिए क्योंकि बांसुरी के हर एक अंग से मधुर वाणी निकलती है, इसलिए ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के अर्धांगामृत की क्या है, सुशोभनीय है. वो हमारे ठाकुर जी के लिप्स पर हमेशा सुशोभित रहती है बिकॉज वो हमेशा मीठा बोलती है. तो सीता मैया हमेशा ही मीठा बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी राम जी से मीठा बोले कोई बड़ी बात नहीं है, अपने से छोटों से भी बड़ा मीठा बोलती है. और याद करो मैंने आपको लीला सुनाई थी, जनक महाराज की सभा में सीता और श्री राम जी का स्वयंवर हो चुका है. ये स्वयंवर मैं आज रात को 8 बजे YouTube चैनल पे अपने डिटेल में सुनाऊंगा. रामचरितमानस जी के दोहे सुनाकर आपको आनंद आने वाला है, नेक्स्ट लेवल. तो जैसे ये क्या नाम है स्वयंवर हो गया था, क्योंकि दशरथ महाराज को तो पता ही था, जनक महाराज जी ने अपना दूत भेजा, जा जल्दी जाओ दशरथ महाराज जी को बता के आओ. जनक महाराज जी का दूत आता है अयोध्या में और अयोध्या में दशरथ महाराज जी को सारी बात बताता है. अति प्रसन्न होकर जनक महाराज जी क्या करते हैं, उनको एक नवरत्न हार दे देते हैं उतार के. वो दूत जो है वो क्या करता है, उस नवरत्न हार को ठुकरा देता है. मेरे को नहीं चाहिए प्रभु आपका हार. जनक महाराज जी कहते हैं तुम्हें हार क्यों नहीं चाहिए, एक दूत को तो हार लेना चाहिए. बोला प्रभु आप शायद मेरे को नौकर समझ रहे हो, आप मेरे को दूत समझ रहे हो, लेकिन हमारी जान की जी, शायद मैं आपके लिए नौकर हूं, लेकिन मैं जनक महाराज के राज्य में क्या करता हूं, उनके राजमहल में जनक की पुत्री सीता जी, वो जनक की पुत्री नहीं है, महाराज दशरथ सीता संपूर्ण मिथिला संपूर्ण जनक की क्या है, पुत्री है. जनक की पुत्री सिर्फ आप मत समझिए सीता जी को, वो मेरी कन्या है, वो मेरी पुत्री है. और उन्होंने मेरे को आज तक कभी नौकर नहीं समझा है, उन्होंने मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, हमेशा वो मेरे को अपने पिता के समान दर्जा देती है, पिता के समान मेरे का सम्मान करती है. आप ये अपना नवरत्न हार अपने पास रखिएगा, बताइएगा जनक महाराज की पुत्री है, उनकी कन्या है. लेकिन दशरथ हैरान हो गया ये देखकर कि एक नौकर भी सीता को क्या कह रहा है, अपनी पुत्री कह रहा है. बड़े प्रसन्नचित हो गए. यहां पर वो दूत कहता है प्रभु मैं अपनी बेटी का व्याख्यान उनकी महिमा अपने मुंह से क्या गाऊं, जब वो आपके अयोध्या में आएगी देखना वो क्या से क्या कर देती है, इतनी खुशियां आपके जीवन में भर देंगे. ऐसे कह के वो रोने लग गए. दशरथ इज शॉक्ड टू द कोर कि एक नौकर भी इतना रिस्पेक्ट इतना आदर रखता है जानकी जी के प्रति. क्योंकि जानकी जी कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कैसा भी हो सबसे मधुर वाणी से बोलती थी. कहा जाता है कि जब जानकी जी जब यहाँ जानकी जी ने जब जनकपुरी से मिथिला से जब वो निकल रही थी और जब वो अयोध्या आ रही थी, जैसे उनका विवाह हो गया था, संपूर्ण जनकपुरी संपूर्ण मिथिला राज रो रहा था. रिश्तेदार घर वाले रोए कोई बड़ी बात नहीं है, जनकपुरी के प्रत्येक नौकर दास दासियों के घर में से रोने की आवाज आ रही थी, वो छोड़ो मिथिला का प्रत्येक वृक्ष रो रहा था, मिथिला का प्रत्येक पत्थर रो रहा था, जड़ चर अचर वस्तु रो रहे थे कि आज हमारे हृदय की धड़कन हमें छोड़कर जा रही है. ऐसी मधुर वाणी वाली, ऐसी मधुर, ऐसी अतिशय सरल दया की सागर परम करुणा वरुणालय श्री राम गृहिणी राम जी की आराध्य अर्धांगनी ऐसी है हमारी श्री जानकी जी श्री सीता मैया जी. तो ये तो हो गए हमारी 3 लीलाएं. मैं आपको एक लेसन बता चुका हूं. दूसरा लेसन जो है, सीता मैया हर लाइफ इज अ लाइफ फुल ऑफ टेस्ट्स, अ लाइफ फुल ऑफ टेस्ट. राम जी को वनवास हुआ एक बार,
सीता मैया को वनवास हुआ दो बार, एक तो उनके साथ वनवास किया और दूसरा जब एक धोबी ने ये अपशब्द बोले थे फिर उनको वन में चला जाना पड़ा वाल्मीकि ऋषि के पास उनके आश्रम में। और क्या है उनका लाइफ फुल ऑफ टेस्ट में आता है अग्नि की परीक्षा, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है। राम जी ने कोई अग्नि की परीक्षा नहीं दी है। नाउ दीज आर वेरी डिटेल्ड टॉपिक्स, अगर मैं इसमें चला गया मैं 3-4 घंटे बोलता रहूंगा, लेकिन मैंने ये टॉपिक्स क्लियर करे हुए हैं और आई होप सबको क्लियर है ना। मेरे को क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है ना कि सीता मैया को अग्नि अग्नि में क्या नाम है परीक्षा देने की क्या जरूरत पड़ी, राम जी ने उनका परित्याग क्यों किया, यह आप सभी को क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा उस पर बोल दूंगा। अगर क्लियर है, मैंने 2 सेशंस दिए हुए हैं यूट्यूब पे, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। लेकिन सीता मैया's लाइफ इज अ लाइफ फुल ऑफ टेस्ट। याद करो भक्तों वो क्षण जब कैकेयी ने माता प्रभु श्री राम जी को वन कल दे दिए हैं कि आप ये पकड़ो और आप कहाँ जाओ, अब आपको वन में जाना पड़ेगा, तो वन कल दे दिए। तो उस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ने बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। वो कहते हैं सीता तुम मेरे साथ नहीं जाओगे क्योंकि तुम तो राजकन्या हो, तुम्हारे लिए तो सैकड़ों सैकड़ों सैनिक 24 घंटे खड़े रहते हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, दास दासियों ने हमेशा तुम्हारी सेवा करी है, तुम्हारा शरीर हमेशा स्वर्ण से सुसज्जित है ना आभूषणों से रहा है, तुमने कभी कष्ट नहीं देखा है, एक से बढ़कर एक व्यंजन तुम्हारे सामने आया है प्रसाद खाने के लिए। अगर तुम मेरे साथ जाओगी सीते, अगर तुम मेरे साथ वन में जाओगे, आसमान तुम्हारा छत होगा, ये सख्त फर्श तुम्हारा बिस्तर होगा, ये वृक्ष की जो छाल है जो है ना ये तुम्हारे कपड़े होंगे, और जो ये पत्ते हैं और जो ये बेर हैं ये तुम्हारा भोजन होगा, तुम इतने कष्ट मेरे साथ मत उठाइए, तुम तो राजकन्या हो। जैसे ही जानकी जी ने यह बात सुनी, पहली बार कभी भी रामायण में वर्णन आता है कभी भी वो राम जी से क्रोधित नहीं हुई, पहली बार राम जी से क्रोधित होते हुए सीता जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे को जाने से कैसे रोक सकते हैं। सब ये बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं है ये पॉइंट, ओह माय गॉड ऐसे कैसे हो सकते, मैंने बड़े डीप में आपको बताया था। तो जानकी जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे को जाने से कैसे मना कर सकते हैं जब मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ के ऊपर रखा था, नीचे नहीं रखा था। रिमेंबर गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनक महाराज पुट सीता मैया's हैंड ऑन टॉप ऑफ राम जीज हैंड नॉट बिहाइंड, बिकॉज राम स्टैंड्स फॉर लॉ एंड सीता मैया स्टैंड्स फॉर लव। व्हेन देयर इज लॉ एंड बट व्हेन देयर इज लव देन देयर इज सम होप। If there is only law, there is no love, no compassion, there will be a problem. If there is only and only love, but there is no law, there will be another problem. So law and love, Sita ji ka haath Ram ji ke haath ke upar rakha hai. Mera haath aapke upar rakha hai. Kyun? Kyunki koi kasht aa jaye, sukh ho chahe dukh ho, kaisi bhi paristhiti mein main aapke saath saath chalungi. Ye maine pran liya tha, maine vaada liya tha, antim saans tak main aapke saath khadi rahungi. Prabhu ये जंगल मेरे लिए स्वर्ग के समान है यदि आपके साथ मैं हूं, और ये अयोध्या का राजमहल ये नरक के समान है यदि आप उसमें मेरे साथ नहीं रहेंगे। जब ये बात सुनी राम जी ने बोला चलो देवी चलो चलो। सो दिस इज ए लाइफ फुल ऑफ टेस्ट। सीता मैया ने सारा का सारा श्री राम जी ने अपने पिता के आदेश पर अयोध्या का परित्याग कर दिया, सीता मैया ने अपने पति की सेवा के लिए अयोध्या का ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया। ऐसी हमारी सीता जी है, ऐसी हमारी जगत जननी है, ऐसी हमारी जनक नंदनी माता सीता है, राइट। सो दिस इज ए लाइफ फुल ऑफ टेस्ट। और उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक छोटी सी बात बता देता हूँ अग्नि परीक्षा के लिए, जो लोग सारे पूछते हैं कि अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, अग्नि क्या बिगाड़ सकती है सीता जी का, माता सीता जी की तो दासी है अग्नि, अग्नि माता जानकी जी का क्योंकि वो लक्ष्मी है, अग्नि तो दास है किसके, माता सीता के, तो वो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते, जला भी नहीं सकती है। याद करो ये सीता मैया वही है जिन्होंने वरदान दिया था हनुमान जी को कि तुम्हें अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, और अग्नि को ये आदेश दिया था कि मेरे हनुमंत मेरे बेटे को, शी कॉल्ड हनुमान माई सन, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो अग्नि क्या कर सकता है सीता जी को, कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से याद कीजिएगा मैंने आपको ये भी बताया था
पूरे समस्त लोगों को दिखाने के लिए कि जानकी जी में कितनी शक्ति है। इसलिए अग्नि परीक्षा दी गई कि अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अग्नि की परीक्षा कौन देता है? आप भगवान के इतने निकट हो, आप राम जी के अर्धांगिनी हो, राम जी के भगवान के नजदीक हर कोई थोड़ी ना आ सकता है। अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, IIT क्लियर करनी है, MBBS क्लियर करना है, कुछ बनना है, कुछ ऊंची पद चाहिए, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है ना। यू हैव टू बर्न, दे से टू शाइन लाइक द सन यू हैव टू बर्न लाइक द सन, राइट। तो जिसको भगवान के निकट आना है, सीता मैया बड़ी भगवान के निकट है, उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। पहले कर्म फल की परीक्षा, हम तो वहीं पर मर जाते हैं, उसके बाद जो कर्म फल की परीक्षा को पार कर देते हैं उनको मिलती है माया से परीक्षा, नेम एंड फेम मिलती है, माया भटका देती है। जो कर्म फल की परीक्षा से पार हो जाते हैं, जो माया की परीक्षा से भी पार पड़ जाते हैं, उसके बाद भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। जब भगवान परीक्षा लें, आसान नहीं है कि भगवान परीक्षा लें, और हर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं भगवान, और डरना भी नहीं चाहिए जब भगवान परीक्षा ले। भगवान यहाँ पर राम जी परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर बाहर आ रही है हमारी जानकी जी। अथवा अग्नि परीक्षा तो कुछ है ही नहीं, और सीता जी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। रावण कैसे स्पर्श कर पाया माता जानकी जी को? रावण ने कभी स्पर्श किया ही नहीं सीता जी को, वो वेदवती थी। वेदवती कौन है? ये पिछले जन्म में क्या थी, भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। रावण घूमता फिरता आया और उन्होंने क्या किया, अपने पुष्प विमान से उठाकर उसने जैसे हाथ पकड़ा वेदवती का और बोला कि मेरे से शादी करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। तो वेदवती को अत्यंत क्रोधित हुई, मेरा शरीर मैंने विष्णु के लिए रखा हुआ, प्रभु के लिए रखा हुआ, इस पे सिर्फ विष्णु का अधिकार था, तूने इसको छू कर क्या कर दिया, मिलित कर दिया, इसको दूषित कर दिया है। अपने हाथ को ही तलवार बनाकर, या अपनी जटाओं को कुछ कहते हैं, उनकी उनके बालों को पकड़ा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जिस बाल को उन्होंने पकड़ा था उस हाथ से तलवार से काट कर क्या कर दिया, अपना देह त्याग दिया, और जाते जाते कहा कि मैं अगले जन्म में आऊंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो जब रावण ने माँ जानकी जी को हरने के लिए जब वो आए, तो क्योंकि वो अग्नि का है ना, लक्ष्मण जी क्या लगा के कहते, अग्नि का एक वो लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, तो जैसे ही जानकी जी बाहर आए, वैसे तो उन्होंने अंदर तो आई नहीं है ना, वो पूरा पृथ्वी समेत रावण ने उठाया था, खैर फिर भी, तो जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं और उस अग्नि से प्रकट हुई थी वेदवती, और वेदवती को जिसको कहते हैं आप छाया सीता, वो लेके गए थे रावण लेके गए थे। और जब अग्नि परीक्षा ली थी प्रभु श्री राम जी ने, उस अग्नि से प्रकट हुई थी कौन, जो स्वयं द ओरिजिनल सीता मैया, शी केम आउट, ओके, बिकॉज श्री लॉर्ड राम हैड कम बैक, एंड व्हाट यू कॉल दी छाया सीता एंड दी वेदवती सीता, शी वेंट बैक, ठीक है जी। तो आई होप आपके कुछ प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया है, और सो थ्री लीलास एंड थ्री लेसन्स। पहले लेसन है नो डिवोटी एसोसिएशन, अकेले में भक्ति करी सीता मैया ने। दूसरा, ए लाइफ फुल ऑफ टेस्ट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एंड नंबर थ्री इज अट्रैक्शंस एंड अल्यूरमेंट्स। रावण ने बहुत कोशिश करी, बार बार कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ उनको सीता जी को एल्यूरमेंट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें लंका की रानी बना दूंगा, ये देखो कितनी सारी दासियां हैं, ये सब तुम्हारे चरणों में समर्पित रहेंगी, अरे तुम मुझसे वैर क्यों मानते हो, सभी देवी देवताएं मेरे नौकर चाकर हैं, कहा जाता है। और मैंने बड़े डिटेल में आपको वर्णन करा है पहले कि रावण में कितनी शक्ति है, 10 मुख वाला जो रावण है ये कितना शक्तिशाली है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि क्या, दिन में तो देवी देवताएं क्या करते थे, थर थर कांपते थे और अन्न भी नहीं खाते थे, दिन में ये अन्न नहीं खा पाते थे, भोजन नहीं कर पाते थे कि रावण आ जाएगा रावण के डर में, रात को ये सो नहीं पाते थे, थर थर कांपते रहते थे कि रावण पता नहीं कल क्या कर दे, तो ये तो हालत बना रखी थी रावण ने, और सभी देवी देवताओं को तो कैद करके रखा हुआ था, और यहाँ तक कि शनि देवता को तो कारपेट बनाया हुआ था, कहते हैं जिनको हम थर थर कांपते हैं ना कि शनि की सड़े साथी लग गई, वो शनि रावण के क्या थे, कारपेट, जब उनको चलना होता था ना, सो ही यूज्ड टू वॉक ऑन टॉप ऑफ शनि एंड देन गो अहेड, ऐसा प्रभावशाली रावण बता रहे हैं कि सबको कैद करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी नहीं आने दूंगा, राम को तो तुम ऐसे ही भूल जाओगी। सो सीता मैया वॉज गिवन सो मेनी एल्यूरमेंट्स, सो मेनी अट्रैक्शंस, माया भी आपको बहुत सारे अट्रैक्शन देंगी,
Attraction can come in the form of a guy, it can come in the form of a woman, it can come in the form of money, it can come in the form of possession, it can come in the form of power. हर वो वस्तु, अब ये सारी चीजें अच्छी हैं, मैं इनको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो वस्तु आपको राम से दूर कर रही है, राम के नाम से दूर कर रही है, राम की कथा से दूर कर रही है, जानकी जी की महिमा सुनने से आपको वो दूर कर रही है, तो आप समझ लेना दिस इज एन अट्रैक्शन, दिस इज एन एलूटमेंट दैट रावण हैज सेंड टू मेक यू गो अवे फ्रॉम श्री जानकी जी. यहां पर हो गए हैं 12:41 और मैं यहीं पर विराम दूंगा आज की कथा को, और सभी भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं. एक बार सभी मिलकर इस श्लोक का जरूर मंत्र का उच्चारण करें, यह श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है और मेरे बाद बोलिएगा. आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा, आपको मैंने कुछ जानकी जी की लीलाओं को फिर से स्मरण करवाया, आप राघवेंद्र सरकार जी की लीलाएं आपके सामने प्रकट हुई, छोटी छोटी सी हमारी सीता जी कैसे फूल तोड़ रही है और फल तोड़ने का प्रयास कर रही है, ये आप सभी को लीलाओं स्मरण आई होंगी. और एक बार हाथ जोड़कर रात को 8 बजे, ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर कथा सुनाई है, हल्का सा सुनाऊं. रामचरित्र मानस से पढ़ने में ना इतना आनंद आता है, पूरा दिन पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा स्वयंवर के सभा में लेके जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्लीज 8 बजे रात को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता रहा हूं स्वयंवर के समय हुआ क्या था. क्या सुनाऊं मैं आपको, ये सुनाऊं कि सीता जी बड़ी टेंशन में है कि राम जी उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, उनकी माता जी बड़ी उठा पाएंगे. तो वे क्या करती है, सीता जी ने स्तुति करी माता पार्वती की, भगवान शिव को बुलाती हैं, गणेश जी को बुलाती हैं, और यहाँ तक कि धनुष को भी बोल देती हैं कि तू हल्का हो जा, मेरे राम जी को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए. बहुत प्यारा सब वर्णन है. या मैं आपको सुनाऊं किस प्रकार वो बगीचे में पहली बार उन्होंने राम जी को देखा था जब वो माता पार्वती की पूजा करने के लिए गए थे. ओफ, या मैं आपको ये सुनाऊं कि लखन इतने क्रोधित हो गए थे जब जनक महाराज जी ने ये शब्द कहे थे. छोटा सा सुना रहा हूं. तो जनक महाराज जी ने देखा कि कोई उठा नहीं पा रहा है शिव जी का धनुष, क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि लग रहा है ये जो पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, ये क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है, यहां पर कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहा ही नहीं है. जब ये बात लखन ने सुनी, ओह, बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने ये शब्द बोले. एक छोटा सा ये ट्रेलर देके मैं जा रहा हूं. क्या कहा लखन ने, ये बात बोली. जय श्री राम जय श्री राम, दो अक्षर क्या प्यारा नाम. जय श्री राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम. एक मिनट बने रहिएगा, आपको अमृत इतने आसानी से मिलेगा नहीं. समीप आए तो लक्ष्मण जी ये शब्द बोलते हैं, क्या कहते हैं, राम जी को पहले प्रणाम करते हैं, और जब ये वाणी जब बोली कि इस सभा में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है ही नहीं, तो अब लक्ष्मण जी ये बात बोलते हैं, गरजते हुए चिल्लाते हुए क्या कहते हैं, राम जी को प्रणाम किया,
सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहहु सुभावन कहु अभिमानी, रघु वंश मा जहां कोई होई, तेई समाज अस कही ही न कोई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम जी, जिस सभा में कोई एक रघुवंशी वीर अगर कोई बैठा हो, ये उनको सुना रहे हैं जनक महाराज जी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुना रहे हैं, वो उम्र में बड़े हैं, तो राम जी से बोल रहे हैं, अपने आपस में बात कर रहे हैं कि हे राम जी, जिस सभा में रघुकुल का, रघु तिलक का एक भी योद्धा, एक भी क्षत्रिय बैठा हो, हे राम जी, जिस सभा में कोई एक भी रघुवंशी अगर कोई बैठा होता है तो कोई ऐसा नहीं बोलता, जैसे किसने कह दिया, महाराज जनक ने, कि ये इस सभा में कोई क्षत्रिय ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलता जैसे महाराज जनक ने बोला है, कई जनक जैसे अनुचित वाणी, प्रभु आप रघुकुल तिलक नहीं हो, प्रभु आप तो रघुकुल वंशी, रघुकुल वंशी, रघुकुल तिलक तो छोड़ो, आप तो रघुकुल शिरोमणि हो, इस समय इस सभा में रघुकुल शिरोमणि बैठे हुए हैं, और ये बात बोल रहे हैं कि इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं बैठा हुआ, प्रभु आप रघुकुल की मणि हैं, और मणि के बारे में यदि कोई बोलेगा तो फणी, लक्ष्मण जी तो शेषनाग है, तो फणी कैसे चुप बैठ सकता है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बाकी तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि लक्ष्मण जी क्या क्या बोल गए। ओहो, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष तो क्या मैं पूरे इस ब्रह्मांड को गोद एक गेंद के समान उठा लूं। हरी हरी बोल। गेटिंग टेंशन वाला काम हो रहा है। लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु आप आज्ञा दो, ये धनुष जो पड़ी हुई है ना, धनुष को तो छोड़ो, धनुष को उठाने की बात कर रहे हैं जनक महाराज, अगर आप बोल लो तो ये पूरा ब्रह्मांड ही कैसे उठा लूं, कैसे उठाऊं, जैसे गेंद उठाते हैं ना, गेंद, बस एक गेंद की तरह उठा के इसको क्या कर दूं, फेंक दूं साइड में, ऐसे उठा दूंगा मैं इसको, छोटी सी गेंद की तरह। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंत्र का उच्चारण करके आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं पुनः आपका दास गोविंद कृष्ण दास सभी भक्तों को माँ जानकी जी का, माता सीता के प्रकट्य महामहोत्सव, जो क्या है, जो स्वयं रघुकुल तिलक, रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रियतम उनकी अर्धांगिनी है, जगत जननी है, जनक नंदनी है, जगत पालनी है, पतिव्रत शिरोमणि है, और जगतेर माता है, और राम गृहिणी, ऐसे माँ जानकी जी का जन्म महोत्सव है। सभी को अनंत अनंत बधाई हो। मंत्र का उच्चारण करके पुनः यहां पर आप सभी भक्तों का धन्यवाद। पवित्र शिरोमणि जनक नंदनी, मेरे साथ बोलिए, पवित्र शिरोमणि जनक नंदनी, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी, जनसूत जग जन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावू, जासु कृप निर्मल मति पावू। श्री जानकी वल्लभो विजयते। 2 मिनट का कीर्तन, रात को 8 बजे आप सभी से मिलूंगा, लेकिन YouTube पे मिलूंगा। श्री राम सीता राम जी का स्वयंवर की लीला श्री रामचरितमानस से बहुत ही डिटेल्ड में हम श्रवण करेंगे रात को 8 बजे। आइए 2 मिनट का कीर्तन सभी मिलकर करेंगे। पुनः आप सभी भक्तों को श्री सीता नवमी की अनंत अनंत बधाई हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी श्री माता जानकी जय। पवन पुत्र श्री हनुमान की जय। श्री रामचरित्र मानस की जय। श्री रामायण कथा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्णा, जय सिया राम। इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट आई नीड टू रीड? या कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज चल रहा था बीच में? आपका अपना गोविंद कृष्ण दास। कृपया, मैं बहुत सारे आपके, आप में से कई सारों को देखता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपके फेसबुक को भी देखता हूँ, जाकर देखता हूँ कि क्या इन्होंने आज की कथा को, आज की लीला को शेयर किया है अपने वॉल पे, और कईयों ने नहीं किया होता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू लेट मैक्सिमम पीपल लिसन टू द ग्लोरीज ऑफ सीता मैया। शेयर दिस फेसबुक लाइव ऑन योर फेसबुक पेज एंड शेयर द लिंक इन ऑल योर ग्रुप्स। लेट मैक्सिमम पीपल नो द ग्लोरीज ऑफ सीता मैया। तो आप सब थैंक यू बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्यारे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको जरूर सुनिएगा। शेयर now so that everyone can get the blessings of Sita Maiya. See you 8 PM tonight on my YouTube channel. Aapka Das Govind Krishna Das Shrivan Janaki Vallabho Vijayate.